हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स तो वेलकम फॉर दिस रिव्यूजनरी क्लास सो स्टूडेंट्स अभी मैं लाइव आ चुका हूँ आई एम ऑलरेडी नाउ लाइव विथ ऑल ऑफ यू इसमें बस होगा कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टू थ्री मिनट्स का ये होगा वेयर बाय जस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जब तक आ जाते हैं लाइव तब तक दो तीन मिनट का मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी बता दे रहा हूँ नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ, आपको मैंने कल भी बताया था जो रिविजनरी पैटर्न होगा हमारा जो प्लान है हमारा अभी एक्शन का एज पर योर रिक्वेस्ट ऑल्सो आपने सभी ने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि सभी स्टूडेंट्स को चाहिए ये कि पेनल्टी एज अ टॉपिक को अलग से रिवाइज किया जाए तो मैंने आप सभी लोगों को ये भी कल बता दिया था कि पेनाल्टीज के लिए वील द टॉपिक ऑन संडे मतलब कल का दिन 10th of May 2020, ये दिन पे हम लोग पेनाल्टीज करेंगे इसके अलावा जो अभी जो होगा आज के सेशन में हम लोग स्टूडेंट असेसमेंट ले रहे हैं तो नाइन्थ वी आर द असेसमेंट प्रोसीजर इसके बाद टेंथ होगा ऑन अदर एरियाज ऑफ जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सारे इंपॉर्टेंट एरियाज पकड़ूंगा और आई विल जस्ट हैंड होल्ड यू आपको एक हैंड होल्डिंग करवा दूंगा फॉर दी अदर रिमेनिंग एरियाज ताकि आप में एक ये होगा कि हाँ भाई फॉर दी बैलेंस एरियाज हाउ यू आर सपोज टू डू इट आपको एक अच्छे तरीके से ये चीज पता चल जाएगा अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को एम टी पी होगा एक देर इज एन एम टी पी दैट हैज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ यू अगर नहीं मिला होगा एम टी पी तो प्लीज इंश्योर करें कि आप लोग वो एम टी पी ले लें। तो एक तरीके से वो एम टी पी काफी क्रिटिकल होगा जैसे मैंने कल भी बताया था आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ रिपीटेशन एम टी पी स्टूडेंट्स ध्यान रखें ये बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं इसके ऑल द न्यू क्वेश्चन और आप देखना अगर आपने एम टीपी किया लगभग आपने सारे फेसेट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लॉ को आपने एक तरीके से रिवाइज कर लिया है मतलब कि उसमें टॉपिक लाइक सैलरी भी मैंने उसके अंदर कैप्चर कर रखा है ताकि आपको इस बार सैलरी भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को यह शायद लगता होगा कि सैलरी एज ए टॉपिक ये रेलिवेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है शायद आएगा नहीं एग्जामिनेशन में ये भ्रम और ये अगर सोच होगी तो स्टूडेंट्स खतरा हो सकता है सैलरी भी एग्जामिनेशन के लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट लेवेंथ ऑफ मे को मैंने बताया आप लोगों को ग्यारह तो आज और कल का डेट तो मैंने आपको बता दिया था कि आज और कल में हम क्या करने जा रहे हैं ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू नॉन रेसिडेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग ये उस कॉन्टेक्सट में भी एक लाइव आपको सेशन दूंगा ये पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में तो एलेवेंथ ऑफ मे वी आर गोइंग टू डील विद ट्वेल्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये दो दिन और हमारे हाथ में थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन भी ये तीन बफर दिन है जिसमें मुझे पीजीबीपी के इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड पंद्रह तारीख को हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स ये आपके कंपनी असेसमेंट असेसमेंट ऑफ कंपनी जिसमें कुछ मैट वैट के प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन होंगे वो भी मैं कंसिडर कर लूंगा इस कॉन्टेक्स में ठीक है स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स अब मुझे लगता है कि सभी लोग आ चुके हैं ऑल ऑफ यू आर देर पहले स्टूडेंट हम लोग ये जो मेरे स्लाइड मैंने पीडीएफ भी आपके सामने रखा है इस पीडीएफ को भी मैं आपको आज ही के दिन प्राइमरी दे दूंगा ऋषि के थ्रू से आपको एक पी डी भी मिल जाएगी विल स्टार्ट देर आफ्टर वन बाय वन आई थिंक ऑल ऑफ यू आर देर बिल्कुल अशोका आई हैव टोल्ड टेन थर्टी बट कनेक्शन टेक्निकल इश्यूज थे सो नाउ वी आर लाइव नाउ एट एलेवन ओ क्लॉक स्टूडेंट लेट स्टार्ट दे आप लोग के पास क्या होना चाहिए एक किताब रख लें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आप लोग को ध्यान रखना है अदर देन दैट ये पी डी एफ जो होगा आपके सामने जो है ये पी डी एफ भी आपको पहुंचा दिया जाएगा सो दिस पी डी एफ ऑल्सो वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ यू ठीक है ना तो अकॉर्डिंगली पीडीएफ में जो मैटर्स होंगे एवरीथिंग रिटर्न तो लेट स्टार्ट विद असेसमेंट प्रोसीजर में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट प्रोसीजर और वो दो चीज में स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज अबाउट अबाउट वॉट अबाउट दी द ऑल अमेंडमेंट्स जो कि अमेंडमेंट्स हुए होंगे वो सेकेंडली द केस लॉस द केस स्टडीज सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट सो फार एज असेसमेंट इज कंसर्न

वो होगा ऑल द रीसेंट अमेंडमेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से करना है और साथ ही साथ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसके जो केस लॉस है भी 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 कर रहा हूं. उसके क्या पहलू होंगे क्या इंपॉर्टेंस होंगे क्या रेलिवेंस है एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स असेसमेंट में यह भी देखा गया है कि वॉट डीज पीपल डू इज दैट आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बना के या फिर एमसीक्यू के जरिए दे विल टारगेट स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन इन द असेसमेंट एज वन

स्पेसिफिकली टू डू लिमिट्स एंड ऑल तो उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट एंड एवरी से डिस्कस करता हूं. Students, पहला जो आप देख रहे हो यहां पर जो मैंने बना के रखा है आई थिंक इसकी विजिबिलिटी है आप लोगों को तो यहाँ पे यह जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है देखिएगा आप लोग यहां पर आर स्टूडेंट्स यहां पे ROI पे देखिएगा यहां पर अब ROI को लेके आप सभी लोगों को पता होगा अमेंडमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट आया हुआ है सबसे पहले वन थर्टी नाइन अब ये स्टूडेंट नोटिस करना कि आप लोगों को आर ओ आई रिटर्न ऑफ इनकम पे कोई ऐसा सेपरेट क्वेश्चन नहीं आने वाला देर विल नॉट बी एनी सेपरेट क्वेश्चन ऑन दी आर ओ आई ये पे होता है थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी लोगों को पता है स्टूडेंट सुनना है पे चीज़ the provision of section talks about two things. दो चीजें कहता है वो दो चीज़ बताओ क्या है है वो वो कौन बंदा जिसपे ऑब्लिगेशन बना है टू फाइल द आर ओ आई और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है सपोज टू फाइल दी आर ओ आई दो चीजें है

इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट फॉर ओनर ऑफ दाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है उस टाइप के जो ओनर को हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर और आपकी जो बेनिफिशियल ओनरशिप किस पर है एक फॉरन एसेट पर है तो इस कॉन्टेक्स में क्या आप पे ऑब्लिगेशन बनेगा टू फाइल दर आरओआई? बिल्कुल बनेगा ये एक हुआ दूसरा है बेनिफिशियरी बोला गया है मतलब कि मैंने क्या किया है एक फॉरेन ट्रस्ट को मैंने एसेट दान पे दे दिया और ट्रस्ट को ये कहा गया है कि इस एसेट से जो इनकम आएगा वो से मेरे स्पाउस को ये इनकम जाएगा मेरे स्पाउस को ये इनकम जाएगा सो माय स्पाउस इज देयर द बेनिफिशियरी

जल्दी से अच्छा जनरल प्रोविजन क्या कहता है जो सबसे लास्ट कैटेगरी है सबसे लास्ट कैटेगरी है इंडिविजुअल एच यू एफ आर्टिफिशियल जो पर्सन वो सबसे लास्ट कैटेगरी वाला जो कैटेगरी है उसमें आर फाइल करने की ऑब्लिगेशन तभी बनेगी जबकि जबकि क्या जबकि जी टी आई एक्सीड एक्सीड वॉट एक्सीड द बेसिक एक्जन लिमिट जो जी टी आई है अगर वो बेसिक एक्जन लिमिट से एक्सीड कर जाए तो फिर ऑब्लिगेशन आपकी बनती है टू फाइल दी आर ओ आई ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन था और अब इसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन पे क्या है अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट दो हजार उन्नीस का चलो देखते हैं भाई फाइनेंस एक्ट दो हजार उन्नीस का जो अमेंडमेंट है उसकी नॉलेज आपकी क्या है वॉट इज दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ऑफ एफ ए टू थाउजेंड नाइनटीन जरा जल्दी से स्टूडेंट आंसर दीजिएगा अमेंडमेंट क्या है मुझे पता तो चले जल्द से जल्द जल्दी जल्दी लिखते रहो बस वो शॉर्ट फॉर्म भी आपने लिख दिया ना बस मुझे पता चल जाएगा एक ऐसी फ्लैश करते रहे ना पता तो चले हाँ क्रिश डेली होंगी लाइव अभी अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी बोला अभी क्वेरी अपनी मत डालता स्टूडेंट ध्यान रखना ये लाइव क्लास में अभी जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना आप बस उसका आंसर देना अभी आप अपनी क्वेरी मत डालना क्वेरी मैं एंड में ले लूंगा आपका जो मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है ये पता लगाने के लिए कि भाई आपका नॉलेज क्या है कहाँ पे मुझे हिट करना है मैं इससे पता लगा लूँगा आपके आंसर से जल्दी बताते रहो ऐसी सुविधाएं आपको कहाँ मिलेगी एनीबडी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है yes यश ने भी आंसर दे ही दिया दीक्षिता बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोगों को चलिए बहुत अच्छा लगा जान के कीर्ति ने भी बहुत आंसर अच्छा अच्छी दी है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स तो इस कॉन्टेक्स में आई थिंक ये चीज़ आप सभी लोगों को अच्छे से थोड़ा सा पता है अब्दुल अब्दुल

किसका एग्जामिशन की बात हो रही है फिफ्टी फोर के जो सीरीज के एग्जामिशन है उसकी अगर वो क्या करे एक्सीड कर जाए किससे बेसिक लिमिट के एग्जाम से तो उस केस में तो उस केस में क्या उस केस में आपको आर वाई फाइल करना क्या मैंडेटरी है एंड आंसर इज यस तो स्टूडेंट्स आपको एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बताता हूं और आप थोड़ा सा ध्यान भी रखना इसको एक चीज आप लोग बस ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स राम बिल्कुल सही एक चीज आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहां पे आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी ऐसे कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है बताएं तीन लाख रुपए तीन लाख ज्यादा हो गया इसको मैं कर लेता हूं चल इसको करते हैं ये अपन दो लाख रुपए करते हैं ठीक है ये मिस्टर ए की मैं बात कर रहा हूं ध्यान से देखना मिस्टर ए की बात हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है दो लाख उसके बाद सी एल जो उसने कमाया है वो उसने दस लाख का कमाया था और उसमें बाद में उसने एग्जामिशन ले लिया है कोई भी एक फिफ्टी फोर का भी मैं सेक्शन ले, ले लेता हूँ उसमें उसने एग्जामिशन ले लिया है दस लाख का ठीक है ये नील हो चुका है और उसी हिसाब से इसकी जी टी बन गई है दो लाख ठीक चैप्टर सिक्स से उसकी हो गई है दो लाख सॉरी चैप्टर सिक्स से यार रखता हूँ अभी इसमें चलो नील रखते हैं फॉर दिस पर्पज सिंप्लिसिटी टोटल इनकम दो लाख ये क्वेश्चन बना है तो बताएं स्टूडेंट्स क्या आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है हाँ और ना में ही आंसर देंगे आप लोग बस जल्दी से बता दो हाँ और ना में ही आंसर आपकी बनेगी जल्दी से बताएंगे आप लोग जल्दी बताओ अशोका ने दो बार बोल दिया शालिनी का आंसर आ चुका बलिया का भी आंसर आ चुका है भाई आप सभी लोग ने आंसर दे दिया है चलो ठीक है अच्छी बात है गुणवंती धीरज क्या आर फाइल करना मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर केस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यतिन, अंकित नेहल दिनेश बिंदी आर फाइल करना मैंडेटरी है तो जल्दी से सुनिएगा आंसर इज यस, बिल्कुल जसप्रीत जी प्रफुल स्वाति बिल्कुल ये आर फाइल करना मैंडेटरी होगा दो कोई राय नहीं यही अमेंडमेंट है बिफोर दी अमेंडमेंट मैंडेटरी नहीं था आफ्टर दी अमेंडमेंट क्या मैंडेटरी है एंड आंसर इज यस अब मैं आपको एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन और एक डालता हूं ध्यान से देखना आपको एग्जामिनेशन तो दाव पेज क्या खेलेगा आईसीआई जरा मीर भल बिल्कुल सही दाव पेज आईसीआई क्या खेलने वाला मैं आपको बता दे रहा हूं ये होगा सी का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट ये सीजी का एक कोई क्वेश्चन होगा और सीजी के क्वेश्चन के अंदर आपको एक बहुत हद तक आपको एक सीजी का कैलकुलेशन करना होगा और फिर बाद में शायद एक सीजी का कोई कैलकुलेशन है जिसमें गुणवंती मैं आपको बताता हूँ एक मिनट रुक जाइएगा तो सी का क्वेश्चन है जिसके तहत प्राइमरीली आपको यह बोला जाएगा कि एक उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करना है मेन सी का ही रहेगा और फिर आपको यह बोला जाएगा कि उसने अपनी आर फाइल की है इसी केस में आर ओ आई इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट आर वाई फाइल हुई है कब आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन वन थर्टी नाइन वन वन थर्टी नाइन वन के ड्यू डेट के बाद आर वाई फाइल हुई है स्टूडेंट ये होगा क्वेश्चन ठीक है अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसने अपनी आर वाई फाइल की है आफ्टर द ड्यू डेट वन थर्टी नाइन वन तो आपसे टैक्स की कॉन्सिक्वेंस पूछी जाएंगी इससे टैक्स की कॉन्सिक्वेंस आपको बताना होगा और यह पूछा जाएगा कि क्या ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जामेशन है क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा बी एलिजिबल फॉर दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि उसने आर फाइल किया है आफ्टर द ड्यू ड्यूटेक्शन वन थर्टी नाइन वन तो क्या उसे उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जामेशन मिलेगा या नहीं ये क्वेश्चन है हा या ना में आप लोग जवाब देंगे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कब हुई है आफ्टर द ड्यूटेड ऑफ सेक्शन वन थर्टी वन गुणवंती आपके आंसर थोड़ी देर बाद देता हूं मैं अभी फिलहाल इसके लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा धीरज का आंसर शालिनी पवन क्वेश्चन तो सबने पकड़ ही लिया आर वाई फाइल हुई है आफ्टर द ड्यूटेड ऑफ वन थर्टी नाइन तो ये जो एग्जामिशन फिफ्टी सीरीज का होगा क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा दीक्षिता उमा कीर्ति श्रेयस कृष, दिनेश बलिया सुरेश, <coughs> तो स्टूडेंट्स यश एनीबडी, जगदीश जसप्रीत जतीन जतिन, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आप सभी लोग आंसर है सुनना चाहेंगे कुराल बिंदी आंसर इज बिल्कुल मिलेगा अब चीज आप लोग ध्यान रखेंगे ये आपको इसकी एग्जामेशन पूरी मिलेगी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे अब सभी लोग एग्जामेशन पूरी दी जाएगी ऐसा क्यों उसकी वजह आप सुन लो आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स एक प्रोविजन आपको शायद पता होगा मालूम है ए टी आई ए का डिडक्शन ए टी आई बी का डिडक्शन ए टी आई ए सी जितने भी प्रॉफिट प्रॉफिटिंग डिडक्शन है ए टी पी का डिडक्शन ये ए टी डबल इन सारे डिडक्शन को अगर आपको क्लेम करना है तो जरूरी होगा कि आपकी आर फाइल होनी चाहिए विद इन दूडिट ऑफ वन थर्टी अगर आपने अपनी आर को फाइल नहीं किया है विद इन द ऑफ तो ये जितने भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है या जो डिडक्शन मैंने अभी अभी आपके सामने रखा है एटीपी एबल जे डबल ए ये सारे डिडक्शन डिशन्यू बी ये सारे डिडक्शन क्या है? एक झटके में साफ हो जाएंगे साफ हो जाएंगे स्टूडेंट्स ये सारे डिडक्शन नहीं मिलेगा उस और एक सेक्शन है अगर आपको पता हो बिजनेस लॉस है कैपिटल की तो तो लॉस तो आप अपनी रिटर्न करें विद इन फाइल करोगे तो क्या हो जाएगा ये लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा ये स्पेसिफिक प्रोविजन वहां पर डाला गया यहां पर स्टूडेंट नोटिस करना जो अमेंडमेंट हुआ है अमेंडमेंट सिर्फ आप पे ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है किस बात को लेके कि भाई अगर आपने अपनी सीजी का एग्जेन क्लेम किया है सीजी का आपने एग्जेपन क्लेम करने की वजह से, से आपकी जी टी आई जो है वो बेसिक एग्जन लिमिट से कम हो जाती है आपकी जो जीटीआई है वो बेसिक लिमिट से कम हो जाती है तो फिर आप पे ऑब्लिगेशन बनेगा टू फाइल दी आर

आप पे ऑब्लिगेशन था और आपने रिटर्न फाइल नहीं की जल्दी से जल्दी से बताएं क्या होगा कॉन्सिक्वेंस अंजाम क्या होगा वो जल्दी से टाइप करके बता दो एक लाइन एक वर्ड में ही ज्यादा नहीं खींचना नहीं यार क्या ऑब्लिगेशन होगा फांसी कॉन्सिक्वेंस जल्दी बता दो 142 बलिया ने कह दिया है? पवन सेक्शन 80 टू थर्टी बिल्कुल सही धीरज ने पकड़ लिया ध्यान रखना स्टूडेंट एक थी चीज है डिफॉल्ट रिटर्न कैरी फॉर कृष्ण का है एक चीज आप लोग को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए इस बात को लेके शायद सभी लोगों को यह ज्ञान है और वो है आपका बता दो 234 एफ की पेनाल्टी सबसे एक ही सबके दिमाग में रहना चाहिए आप पे 234 एफ की पेनाल्टी लगेगी बिल्कुल और फिर 234 थर्टी ए का इंटरेस्ट वो तो लगना ही है वो तो हर बिलेटेड रिटर्न पे क्या है वो तो लग जाएगा टू ए का इंटरेस्ट देखो दो चीजें नॉर्मल पकड़ना इंटरेस्ट टू ए एंड पेनाल्टी टू थर्टी फोर एफ इंटरेस्ट टू थर्टी फोर ए एंड पेनाल्टी टू थर्टी फोर एफ ठीक है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी है ये दो लगेंगी ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है एक प्रोसिक्यूशन का भी केस है स्टूडेंट्स प्रोसिक्यूशन का भी एक केस है जहां पे प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है प्रोसिक्यूशन <coughs> भी हो सकता है अब वो प्रोसिक्यूशन वाला प्रोविजन वो पेनाल्टी इन प्रोसिक्यूशन में आपको ये penalty prosecution में करा दूंगा. अभी के लिए सिर्फ 234A 234F. आप पे obligation था, आपने रिटर्न फाइल नहीं की आप पे obligation था आपने रिटर्न फाइल नहीं की और रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से क्या हो गया ये पर्टिकुलर केस में आप पे इंटरेस्ट टू ए का है और पेनाल्टी टू एफ का ठीक है कितना है प्राइमरी बोर्ड इजी है प्रोविजन इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा लेकिन प्लीज नोटिस करना स्टूडेंट्स प्रोविजन पे ध्यान रखना अगर वो बिलेटेड फाइल करेगा तो प्लीज ये मत लिखना गलती कहां पे करोगे देखो गलती पकड़ लिया ना गलती आप लोग क्या करोगे आप लोग ये बोलोगे कि भाई उसको एक्जामिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं की विद विदिन दूरियड ऑफ वन थर्टी नाइन मंथ अगर आप ये लिख कर आओगे जीरो मार्क स्टूडेंट्स यहीं पर आई सी पेज खेलेगा बाकी जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा है कि हाँ सर कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करने पे या बैंक में पैसे को जमा करने पे तो वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉरेन ट्रैवल वो अमेंडमेंट वाला जो पॉइंट है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी एस को क्या है रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन बना दी गई है तो ये एक स्पेशल पॉइंट है डिस्कशन का एज फार एज फाइलिंग ऑफ आर ओ कंसर्न इसके अलावा स्टूडेंट्स वन है आपका लॉस रिटर्न फिर वन थर्टी फोर बिलेटेड रिटर्न फिर रिटर्न इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड एंटिटीज उनके लिए वन थर्टी फाइव जो है आपका वो है रिटर्न रिटर्न में आपको शायद पता होगा अभी कि रिवाइज रिटर्न अभी दोनों ही रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है वो दोनों रिटर्न रिवाइज किसकी हम बात कर रहे हैं वो दो रिटर्न जिसको रिवाइज करने की किसकी बात हो रही है रिटर्न रिटर्न फाइल फाइल अंडर अंडर सेक्शन सेक्शन एंड इज दोनों ही रिटर्न को क्या है हम रिवाइज कर सकते हैं

बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट सही जा रहे हो आप लोग आइए की तरफ दूसरा प्रोविजन इंटीमेशन अब इंटीमेशन में ये मैं पीडीएफ जैसे मैंने कहा ना ये पीडीएफ आपको शेयर करवा दिया जाएगा बेहतरीन पीडीएफ रिवीजन के लिए आपको बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे <coughs> देखेगा एक केस स्टडी के रूप में लिया मैंने जरा ध्यान से देखना ये रेलेवेंट आरओआई जो है ना आरओआई स्टूडेंट्स आरओआई जो है बिल्कुल आर जो है वो मैंने लिया है फॉर रेलिवेंट एवाई किस एवा की बात हो रही है एवा ट्वेंटी ट्वेंटी वन एवा ट्वेंटी ट्वेंटी वन की मैंने ये आपके लिए लिया है उसमें देखिएगा ड्यू डेट्स मैंने दे रखें पहले रिटर्न में मैं लेके जाता हूं आपको वन थर्टी नाइन वन वन थर्टी नाइन थ्री अगर उसमें रिटर्न होगा तो ड्यू डेट क्या क्या है लगेंगे तो तीन ड्यू डेट तो आपको पता ही है वैसे तो तीन ड्यू डेट क्या है इकतीस जुलाई है तीस सप्टेम्बर है और ट्रांसफर प्राइसिंग के के केस में तीस नवंबर का है तो ये तीन ड्यू डेट आपके पास है

जिस ROI, जिस का वो आर वो आई है उसी रेलिवेंट एक्टिंग रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना है स्टूडेंट बस एक चीज मैं आपको बताता हूं ध्यान से सुनना। लिखने के समय, जब आप लिखोगे अपने आंसर्स को तो उस समय पे आप जब भी आर भी ओ का आपको रेफरेंस देना हो ध्यान से सुनना स्टूडेंट जब भी आर ओ का रेफरेंस जब आपको देना हो प्लीज आप लिखे इस तरीके से रिटर्न फाइल्ड फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर रिटर्न फॉर दी आर ए वाई आर ए वाई का मतलब क्या है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर लोग ऐसा क्यों लिखे भाई लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स क्यों लिखना पड़ेगा लॉजिकली सोचना ये जो इवेंट होता है ना रिटर्न का ये ए वाई का इवेंट है ये आप मुझे बताए ध्यान से सुनना इसको स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और क्या होता मन में इतना आप शहनशाह हो जाते हो डायरेक्ट टैक्स पढ़ के बेसिक फंडामेंटल ही पुरजे आपके अल्टीमेटली इतने हिले हुए रहते हैं आप मुझे बताओ ये तो जो टोटल इनकम जो कंप्यूट करता है जो आप करते हो ना टोटल इनकम की कॉम्पिटिशन फिर टैक्स लाइब्रेटी की तो ये जो इवेंट है कॉम्पिटिशन करने का टोटल इनकम का या फिर टैक्स लाइब्रेटी को कॉम्प्यूट करने का ये इवेंट प्रीवियस ईयर का है या असेसमेंट ईयर का है असेसमेंट ईयर में करते हैं या प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम टैक्स लाइब्रेटी की कॉम्पिटिशन होती है बताओ स्पेसिफिक बता रहा। किस अमेंडमेंट की बात कर रहे हो जल्दी से बताओ देखो सारे इवेंट तो जो है ईयर का इवेंट है प्रीवियस ईयर खत्म होता है ना तो पहला इवेंट एवाई में टोटल इनकम की कॉम्पिटिशन बिल्कुल सही एंड टैक्स लाइबिलिटी ये कैलकुलेशन ये जो प्रक्रिया है ऐसे टैक्स की कैलकुलेशन एंड टोटल इनकम की कॉम्पिटेशन ये जो प्रक्रिया है ना ये प्रक्रिया ए वाई की है सो देर फॉर फॉर रेलिवेंट द टोटल इनकम मतलब ये क्योंकि प्रक्रिया ही असेसमेंट ईयर का है इस वजह से ये एवाई की से जुड़ा जाता है उसी तरीके से बताएं एक बार आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट कर दिया है तो आपसे और एक क्वेश्चन पूछूं मैं ये मुझे बताएं कि क्या आपको क्या आपको ऐसे टैक्स का भुगतान करना मैंडेटरी है तब जाके ही आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जाएगी मैनी देर बाय कि अगर मैंने ऐसे टैक्स पे नहीं किया और अगर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया तो क्या मेरा रिटर्न ऑफ इनकम को क्या वो डिफेक्टिव रिटर्न मानेंगे दिस इज द क्वेश्चन ऐसे टैक्स मैंने टोटल इनकम कंप्यूट करके ऐसे टैक्स कैलकुलेट कर दिया मैंने बिना ऐसे टैक्स पे करके अपनी आर फाइल करी तो क्या वो आर को डिफेक्टिव माना जाएगा बिल्कुल दिनेश पीयूष वेरी ट्रू 172 का केस जो आप मुझे बता रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या डिफेक्टिव माना जाएगा ऐसे टैक्स पे कर दिया है हमने सॉरी ऐसे टैक्स कैलकुलेट कर दिया है लेकिन पे मैंने नहीं किया पे मैंने नहीं किया और अपनी रिटर्न फाइल कर दी तो क्या उस रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा ये है क्वेश्चन मेरा आप सभी से ऐसे <coughs> टैक्स पे नहीं किया है और मैंने अपनी आर फाइल कर दी है वन थर्टी नाइन वन में क्या वो डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा एंड ध्यान से सुनो देखो ये चीज देखो एक्सपोज हो गए हो आप लोग इसे डिफेक्टिव रिटर्न नहीं मानते हैं एक जमाना हुआ करता था 2017 तक 2017 तक जब वहाँ पे डिफेक्टिव माना जाता है अभी डिफेक्टिव वो वाला प्रोविजन निकाल दिया है मतलब वन थर्टी में अगर आप देखें लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसे टैक्स पे नहीं किया है

ऐसे टैक्स का क्या पेमेंट करना जरूरी है टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एंड द आंसर इज नो ठीक है तो चलो उसके बाद मैं क्या करता हूं रिटर्न फाइल करता हूं तो ये जो रिटर्न की जो फाइलिंग है ये भी, है, ये भी भी रिटर्न की जो फाइलिंग है इवेंट एवा का है तो प्लीज जब अपना आंसर में लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखोगे रिटर्न फाइल्ड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस और रेलेवेंट एवाई क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो रिटर्न फाइल फॉर इसी वजह से मैंने ध्यान रखना रिटर्न ऑफ इनकम के के चैप्टर चैप्टर में सिर्फ का ही खेला जाएगा. के में असेसमेंट प्रोसीजर गेम खेला जा रहा है तो रेलिवेंट आर ड्यू डेट्स आपको दिए गए हैं और ये सारे डेट्स हो गए इसके बाद बताओ क्या आता है स्टूडेंट इंटीमेशन इसके बाद स्टूडेंट्स इंटीमेशन इंटीमेशन देख लो आप लोग दो चीजें मैंने लिखी है यहां पर इंटीमेशन में और वो दो चीजें स्टूडेंट क्या है वो दो चीज क्या है स्कोप एंड द द टाइम टाइम लिमिट लिमिट स्कोप एंड तो तो पहले इंटीमेशन तो, जो है ये एक तरीके से acknowledgement है आपका कि आपकी रिटर्न मिल चुकी है तो वो आपको उसकी टाइम लिमिट कब तक है पहले टाइम तो लिमिट देख लो इसका क्या है टाइम लिमिट नो इंटीमेशन शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर एंड ऑफ दिलिवेंट फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम पहले मैं टाइम लिमिट करवास इक्कीस है तो प्लस वन ईयर आप करें तो बन जाएगा आपका थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक क्या है मैक्सिमम इंटीमेशन दे दिया जाएगा ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक मैक्सिमम अल्टीमेटली ये इंटीमेशन दे दिया जाएगा आइएगा स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे स्कोप पे स्कोप पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना इसी पे असली गेम आपको एग्जामिनेशन में आएगा एक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पे आएगा मैं आपको बता रहा हूं. पहले देखो स्कोप क्या है क्या लिखा गया है ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दर ओ स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके आधार पे इंटीमेशन जो दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दी आर ओ आर के बेसिस पे इंटीमेशन दिया जा रहा है प्लस आफ्टर रेक्टिफाइंग क्या रेक्टिफाई कर रहे हो

इश्यू ऑफ शेयर के टाइम पे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है इश्यू ऑफ शेयर के समय पे उसने कुछ एक्सपेंडिचर किया है जो एक्सपेंडिचर का उसने डिडक्शन अपने रिटर्न ऑफ इनकम में लिया है इश्यू ऑफ शेयर के टाइम पे जो उसने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया था वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उसने अपने आर में क्लेम कर लिया है ये जो एस एस है ही वॉज बेस्ड इन फ्रॉम गुजरात गुजरात का एस एस था ये ठीक है अच्छा अब देखो स्टूडेंट थोड़ा पीछे जाते हैं बैकग्राउंड में आपको बताता हूं बैकग्राउंड ये था कि किसी पुराने टाइम पे गुजरात हाईकोर्ट ने किसी के केस में ये कहा था कि ये शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर जो इनकर है वो कैपिटल इन नेचर का है इस वजह से ये अलाउ नहीं होगा शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल इन नेचर का है इस वजह से ये अलाउ नहीं होगा लेकिन कर्नाटका के जुरिस्डिक्शन में एक किसी के केस में ये कहा गया था कि शेयर इशू एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन SSC को मिल सकता है तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट प्रिवेल कर रहा था गुजरात हाई कोर्ट में एंड कर्नाटक हाई कोर्ट में सो so अच्छा, कहां का था गुजरात का था ठीक है तो अब इसने अपने, अपने रिटर्न में इसने तो डिडक्शन क्लेम कर लिया और हुआ क्या जैसे रिटर्न अल्टीमेटली उसने फाइल की इंटीमेशन दिया जाता है और इंटीमेशन में ये जो उसने डिडक्शन क्लेम किया है वो हो जाता है और डिसअलाव करके उसकी टोटल इनकम को बढ़ाई जाती है इंक्रीमेंटल टैक्स लाइबिलिटी बनता है और उसको अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ता है एस ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया ऑब्जेक्शन एस का ये था ये बोल के कि पहली बात तो ये है कि भाई कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है कि जजमेंट ये मिल रहा है मुझे डिडक्शन मिलता है तो भाई मुझे लगता है कि मुझे इसका डिडक्शन मिलना चाहिए ये उसका फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्शन का दूसरा पॉइंट जो उसका ऑब्जेक्शन का था वो ये था वो ये कहता है कि अगर मैं मान भी लूं मान भी लूं कि एक टाइम पे कि भाई ये मुझे डिडक्शन नहीं मिलता ये मुझे डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास 1431 के अंडर 1431 क्या है इंटिमेशन वाला सेक्शन तो 1431 के अंडर ये कार्रवाई करने का कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन है ही नहीं क्या कार्रवाई करने का कि आपने डिसलाव कर दिया मेरा एक्सपेंडिचर को इन इन द इंटीमेशन विच इजर में ये मेरे को डिसलाव करने का आपके पास है ही नहीं अगर आपको डिसलाव भी अगर करना है जबकि मैं सहमत नहीं हूं डिसलाव से, लेकिन अगर आपको भी करना है तो आपको थ्री या फिर 144 जो कि रेगुलर असेसमेंट का स्कोप है उसमें जाके इसको डिस करना था तो ये बात पे भिड़ गया मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 143 में असेसिंग ऑफिसर मिस्टेक को करके इंटीमेशन दे सकता है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है क्या उसे एपरेंट मिस्टेक माना जा सकता है तो फिर क्वेश्चन ये था कि जो एक हाई कोर्ट है जो कि एक हाई कोर्ट है उसका जजमेंट बताए क्या उसका जजमेंट क्या है बाइंडिंग होता है जो हाई कोर्ट है स्टूडेंट्स उसका जजमेंट बाइंडिंग होता है तो क्योंकि आप गुजरात के एस और पहले ही एक गुजरात का जजमेंट है हाई कोर्ट का जजमेंट है एज पर विच कि कोई एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अगर किया है तो उसे कैपिटल इन नेचर का माना जाता है और इस वजह से वो एक्सपेंडिचर क्या है अलाउ नहीं किया जाएगा तो आप पे वो ज्यूरिस्टिक्शनल हाईकोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है और इस वजह से क्योंकि आपने डिडक्शन क्लेम किया है आपने डिडक्शन क्लेम किया है इज अगेंस्ट द बाइंडिंग जूरिस्टिक्शनल हाईकोर्ट जजमेंट इस वजह से इस वजह से क्या इस वजह से ये एक एपर मिस्टेक का दायरे में आता है और यही रीजन है कि असेसिंग ऑफिसर का डिसअलाउ करना 143 वन के इंटीमेशन में ही क्या है माना जाएगा इसे वैलिड माना जाएगा जायज माना जाएगा तो देखिए स्टूडेंट्स एक रेड में मैंने एक लाइन में लिख दिया स्टूडेंट्स ये देखिएगा क्या लिखा है रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट क्लेम ऑफ डिडक्शन ओवर लुकिंग अ बाइंडिंग जूरिस्टिक्शनल हाईकोर्ट डिसीजन अ बाइंडिंग जूरिस्टिक्शनल हाईकोर्ट जजमेंट क्या है इट इज इक्वल टू एपरेंट मिस्टेक इट इज इक्वल टू वॉट एपरेंट मिस्टेक तो ये है स्टूडेंट्स आपका ये एक इंपॉर्टेंट एरिया एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में अभी तक नहीं पूछा है आईसीआई ने और इसी वजह से केयरफुल रहना चलिए तो वन फोर्टी में क्या मैंने कहा वापस से कि एओ मिस्टेक क्या कर सकता है रेक्टिफाई करके इंटीमेशन दे सकता है अच्छा इंटीमेशन का नेट रिजल्ट क्या होगा जो इंटीमेशन आपको वन वन में दिया जा रहा है उसका नेट रिजल्ट क्या होगा तो उसका नेट रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है वट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द इंटीमेशन इफ नो ड्यू, अगर आपने अपनी आर ओ फाइल की आर्टिकल ने अगर अपनी रिटर्न फाइल की है तो क्या हो जाएगा नो सम इज ड्यू तो ऐसे केस में आप उम्मीद मत करना कि आपको बकायदा कोई इंटीमेशन मिलेगा एक्नोलॉजमेंट ही जो दे रहे हैं ना दैट वुड बी डीम टू बी एन इंटीमेशन दैट इज वन लेकिन इफ सम इज पेबल कैसे सम पेबल होगा अभी भी आपने देखा एक केस जहां पर डिस टोटल इनकम बढ़ा दी गई और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहाँ के सम पेबल हो सकता है और एक होगा कि आपने कोई गलती की है टू थर्टी फोर ए बी सी का आपने इफेक्ट दिया नहीं है रॉन्ग एपरेंट रॉन्ग क्लेम आपने कर दिया है ए टी सी का डिडक्शन आपने तीन लाख करवा दिया जबकि डेढ़ लाख की लिमिट है इस तरीके से तो वो सब चीज को ठीक करके

हमने जो इंटीमेशन आपको दे दिया है अब समझ लेना आप लोग स्टूडेंट्स कि इसमें जो भी बोला गया कि इतना आपको अमाउंट पे करना बनता है इसमें इतना अमाउंट पे करना बनता है तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अलग से आपको एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा नहीं ये जो इंटीमेशन दिया गया है इसको ही आप समझ के चलना क्या समझ के चलेंगे आप एज डीम टू बी ए नोटिस ऑफ डिमांड इसका रेलिवेंस क्या है इसका रेलिवेंस ये है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया विद इन दैट थर्टी डेज टाइम अगर आपने पेमेंट नहीं किया इंटीमेशन मिलने मिलने से विद इन थर्टी डेज अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा आपको बताओ क्या माना जाएगा अगर इंटीमेशन मिलने से विद इन थर्टी डेज अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर बताइए आपको फिर क्या माना जाएगा जल्दी से लिख के बताओ पीयूष मैं उसमें बाद में आता हूं अभी आप लोग जल्दी से आंसर दो बताओ ली शालिनी ने आंसर दे दिया बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स सही कहा एस एस डिफॉल्ट आपको इंटीमेशन दिया जाता है इन थर्टी डेज आपको उसका पेमेंट करना है और अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो ठीक है क्योंकि इंटीमेशन को क्या माना गया नोटिस ऑफ डिमांड और वन फिफ्टी सिक्स में स्टूडेंट्स सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स का ये नियम है विद इन द सर्विस से तीस दिन तक भुगतान कर दे नहीं करोगे तो उसके बाद आपको माना जाएगा एज अ अट डिफॉल्ट और असिन डिफॉल्ट का दर्जे पे आप पे कुछ भयंकर कार्रवाई होगी जो कि इसी स्लाइड में दिया गया लेकिन हम लोग उसको बाद में देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट चलो जल्दी से ये मैंने इफ़ सम समबल ये भी बता दिया अब आइएगा और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जून के अटेम्प्ट के लिए सॉरी जून बार बार आ रहा है जुलाई के अटेम्प्ट के लिए या फिर नवंबर के टाइम के लिए आइए लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट बताओ क्या है इफ रिफंड इज ड्यू ये कभी मुमकिन हो सकता है एक्सेस टी के डिडक्ट करने की वजह से रिफंड ड्यू हो रहा है या फिर आपने क्या किया है एक्सेस टी डी एस का एक एग्जाम्पल है एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे किया है दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल इसके वजह से रिफंड का कुछ ड्यू हो रहा है और फिर उस केस में इंटीमेशन आपको दी जाती है एज एन एक्नोलॉजमेंट कि हाँ भाई हम मानते हैं कि आपकी रिफंड ड्यू है क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जामिनेशन में क्या आएगा क्वेश्चन ये है उसके नीचे वेदर द रिफंड देखिए राइट हैंड साइड में एकदम लास्ट में वेदर द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंटिमेशन कैन बी विदहेल्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर जो रिफंड ड्यू है ऑन द बेसिस ऑफ इंटिमेशन क्या उसे रोका जा सकता है तो लीजिए स्टूडेंट्स 241 ए ये देख रहे हो यस yes, लिखा है और उसमें 241 ए का सेक्शन रेफर किया है और ये जो सेक्शन है ये एग्जामिनेशन में अभी तक आया नहीं है सो दिस वॉज नॉट बिन टारगेटेड ये नया सेक्शन है काफी और ये क्या कहता है एक बार ध्यान से उसको देखते हैं टू फोर्टी वन है, है। का ओपिनियन है देखो मैंने वर्डिंग्स में चुकोगे आप लोग हां ना पे लिख लोगे लेकिन वर्डिंग्स में चुकोगे इसके लिए देखो किस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाया इक्वेशन ये असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन ओपिनियन है रीजन टू बिलीव नहीं है बताएं स्टूडेंट्स रीजन टू बिलीव किस सेक्शन में लिखा है एक ऐसा जगह है, है चलो यही पूछ लेता रीजन टू बिलीव वाला एओ के एओ के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए बताइए वो सेक्शन कौन सा है। जल्दी बताओ चुन्नी बाबू आप लोगों का नाम चुन्नी बाबू रखता हूँ मैं बिल्कुल सही धड़ाधड़ आंसर दिया है। चलो देखो सब ने एक साथ बिल्कुल सही जवाब चलो ठीक है अब मैं गेम को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं और जरा आप मुझे इसका आंसर दो इसका आंसर दे दो फिर एओ के ओपिनियन पे मैंने चलो आपने बोला कि ये है एओ के रीजन टू बिलीव पे आपने बोल दिया 147 बिल्कुल सही कहा आपने अच्छा मैं आपको और एक क्वेश्चन डालता हूं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ओपिनियन के वजह से एक प्रोसीडिंग को शुरू किया जा सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ओपिनियन के वजह से एक प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है तो वो कौन सी प्रोसीडिंग है जो कि सीआईटी के ओपिनियन से शुरू किया जा सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं जिनके ओपिनियन से एक प्रोसीडिंग की शुरुआत हो सकती है बताएं वो सेक्शन का नाम लिख के जल्दी से बताएं वो कौन सा है वो सेक्शन जहाँ पे जहाँ पे सी के ओपिनियन से एक प्रोसीडिंग की शुरुआत हो सकती है बिल्कुल सही देखो खिलाड़ी बन गए आप लोग बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को बिल्कुल सही बिल्कुल सही 263 सिक्सटी थ्री एंड टू स्टूडेंट्स तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी ने ये जो है ना ओपिनियन रीजन टू बिलीव इस पे अपनी कमांड बना के चलनी है जरा भी गलती नहीं करेंगे आप एग्जामिनेशन में ये बात समझ के चलना आप सभी लोग ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हो अब तक सो फार सो गुड लेकिन जैसे एम आप लोग देखोगे ना मॉडल टेस्ट पेपर जब सॉल्व करना शुरू करोगे तब अल्टीमेटली आपके पैर ज़मीन पे वापस आ जाएंगे तो जो मैं आपको थोड़ा सा उठा रहा हूँ जमीन से दो फीट ऊपर वो जमीन पे वापस से आ जाओगे जब एम आप देखेंगे चलिए पहले ये देख लेते हैं ओपिनियन की वजह से क्या है ओपिनियन क्या है उनका एडवर्सलीफेक्ट रिकवरी ऑफ रेवेन्यू का ओपिनियन है रिकवरी ऑफ रेवेन्यू तो उसके देख रहे हो आप लोग रीजन ये देखो क्या लिखा है रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक और दूसरा प्रीवियस अप्रूवल प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सीआरटी एन सी आर टी पी सी आर टी एन सी आर टी तो कहने का मतलब है रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ पी सी आर टी एन सीआरटी जानते हो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है ये प्रोसीजर है ये दोनों ही पॉइंट क्या है दिस इज नथिंग बट अ प्रोसीजर तो रीजन होगा रिकॉर्डेड इन राइटिंग ये को लिखना पड़ेगा और उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ ऑफ इन ये ये प्रोसीजर भी लिखेंगे तो तो का ओपिनियन ओपिनियन होगा क्या है है उसका कि रिफंड ग्रांट करना एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है किसको रिकवरी रेवेन्यू तो ऐसे हालात में पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर तीन बताइए आपको लिखनी पड़ेंगी तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा तो ऐसे हालात में क्या वो विथहोल्ड कर सकता है रिफंड बिल्कुल कर सकता है रिफंड ये होगा स्टूडेंट आपका लिखने का अंदाज और फिर उसके बाद उसके बाद और एक पॉइंट देख रहे हो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है देखिए क्या लिखा गया ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अच्छा मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू से ही थोड़ा सा समझ लेना स्टूडेंट जल्दी से समझ लेना <coughs> जल्दी से समझना इसको एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलिएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया एनटीन का अठारह फाइल किया था जिसमें क्या है रिफंड आ रहा है सत्रह का चल चल रहा रहा है है आज की तारीख में 147 चल रहा है। और उसमें बहुत बड़ा का बन रहा है तो मैं क्या एवाई अठारह उन्नीस का जो रिफंड है क्या वो रोक सकता हूँ ए क्या रोक सकता है बिल्कुल रोक सकता है अगर उसके ओपिनियन में क्या है अगर रिफंड दे, दे देगा तो हो सकता है कि इट विल एडवर्सली इफेक्ट द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू इज ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एवासटीन सेवेंटीन तो यह पड़ी अब ध्यान से सुनने गए आप सभी लोग असेसमेंट सोलह सत्रह तो उसने रोक लिया रिफंड रोक लिया किस एवा का रिफंड रोक लिया अठारह उन्नीस का रिफंड उसने रोक लिया अब ध्यान से सुनना आप लोग एवाई सोलह सत्रह जो है AY 16, AY 16, का जब असेसमेंट कंप्लीट होता है 147 में और उसकी जो लायबिलिटी आती है क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा एग्जामिनेशन में कि वो उसकी लायबिलिटी जो बनती है फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एवा सिक्सटीन सेवनटीन क्या वो लायबिलिटी को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ फ्रॉम फ्रॉम वॉट फ्रॉम द रिफंड विच इज ड्यू ऑफ तो जो रिफंड ड्यू हो चुका है जिसको मैंने रोक के रखा है जिसको मैंने रोक के रखा है तो क्या उस लाइबिलिटी को इस रिफंड के साथ एडजस्ट कर सकता हूं उसका आंसर आप बोलेंगे यस और उसका सेक्शन लिखेंगे 245 उसका सेक्शन लिखेंगे 245 उसका सेक्शन लिखेंगे 245 लेकिन प्रोसीजर ध्यान र... <coughs> <coughs> प्रोसीजर ध्यान रखना प्रोसीजर यह होगा आफ्टर इंटीमेटिंग दी कैन एडजस्ट Assessi को इंटीमेट कर दे तो फिर वो एडजस्ट कर सकता है वो एडजस्ट कर सकता है स्टूडेंट्स तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इंटीमेशन से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा प्रोविजन और आइए आते हैं स्टूडेंट्स ये सबसे भयंकर चार्ट में <clears throat> बिल्कुल सही बहुत इंपॉर्टेंट वाले चार्ट में आ गए स्टूडेंट्स रेगुलर असेसमेंट हम लोग करेंगे अब रेगुलर असेसमेंट स्टूडेंट्स है आपका वन एंड वन फोर्टी फोर आर टू सेक्शन ऑफ रेगुलर असेसमेंट एंड दो एंड ठीक है अच्छा अब आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स पे वापिस से एकदम फ्लो देखना एकदम अच्छे से जाएंगे हम लोग एक एक करके रेलिवेंट एवाई बीस इक्कीस रिटर्न ऑफ इनकम अंडर वन थर्टी नाइन ठीक है इंटीमेशन अंडर वन फोर्टी थ्री वन ये हो गया रिटर्न ऑफ इनकम की जो चर्चा है थी कंप्लीट हो गई है इंटीमेशन वन फोर्टी थ्री वन में इंटीमेशन भी दे दिया गया है. चलो वो भी कंप्लीट हो गया अब उसके बाद वाला देखिएगा इवेंट क्या है ब्लू कलर देख रहे हो आप लोग नोटिस अंडर वन फोर्टी टू वन या फिर नोटिस ऑफ स्क्रूटनी जो कि दिया जाता है 143 .2 में नोटिस ऑफ स्क्रूटनी बताओ किस सेक्शन में देख रहे हो ब्लू कलर का मैंने वो डॉटेड लाइन करके ऊपर लिख दिया है क्या लिख दिया प्रोसीडिंग शुरुआत हो चुकी है स्टूडेंट्स <coughs> याद करो पता नहीं आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं डबल ए आर का एक था ंग कॉर्पोरेशन मालूम है केस लो यौसंग आर का एक चैप्टर है AAR का उसमें एक पॉइंट है आपको मालूम है में एक कंडीशन है एप्लीकेशन करना होता है ना डबल ए आर में विदवां अथॉरिटी उसमें एक कंडीशन गया है बताओ कंडीशन क्या है कि अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग हो चुकी है तब आप डबल ए आर के पास नहीं जा सकते हो डबल ए आर का फुल फॉर्म क्या है? authority of advance ruling तो आपको एडवांस में ही एप्लीकेशन कर लेना है लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग हो चुकी है तो फिर आप आप नहीं जा सकते हो डबल एआर के पास तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसीडिंग पेंडिंग का मतलब क्या तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर 142 1 का नोटिस दे दिया जाए व्हिच इज फॉलोड अप विद 143 2 नोटिस तो फिर प्रोसीडिंग समझ जाना कि पेंडिंग हो चुकी है तो प्रोसीडिंग पेंडिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये नोटिस है जिससे क्या हो जाता है कि आपकी जैसे नोटिस आ जाए ना आपको आपको नोटिस आ जाए समझ जाना स्टूडेंट्स की अब प्रोसीडिंग शुरू हो चुका है और प्रोसीडिंग कैसे कंप्लीट होगा देखिए लास्ट वाला पॉइंट कैसे कंप्लीट होगा प्रोसीडिंग देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये जो स्लाइड मैंने बनाया आपको रिवीजन के लिए ये स्लाइड को पकड़ना है अपने अच्छे से तो यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्टेक्स्ट में देखो प्रोसीडिंग ओवर है तो प्रोसीडिंग शुरुआत हो गई है और लास्ट में प्रोसीडिंग कंप्लीट है प्रोसीडिंग कंप्लीट होता है होता होता है by passing of the order. होता है ऑफ द नोटिस तो नोटिस आपने दिया है एक है नोटिस वन फोर्टी टू वन का नोटिस है और नोरी जो दूसरा नोटिस है स्टूडेंट है वो है आपका नोटिस ऑफ स्क्रूटनी जो दूसरा नोटिस है वो है आपका नोटिस ऑफ स्क्रूटनी

अपनी इनकम को अंडर स्टेट नहीं अंडर तो नहीं किया है दूसरा ऑब्जेक्टिव है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी का क्या ने तो नहीं किया टैक्स का so और आखिरी में टाइम लिमिट टाइम लिमिट प्राइमरी क्या है नो नोटिस कैन बी सर्व आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ये टाइम कब तक नोटिस ऑफ स्क्रूटनी दी जा सकती है सो नो नोटिस

तो उस कॉन्टेक्स में उस कॉन्टेक्स में स्टूडेंट क्या होगा बीस इक्कीस का चल रहा है तो प्लस छह महीने कर दें आप प्लस छह महीने और कर दो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी तो हजार इक्कीस तीस सप्टेंबर दो तो तो हजार इक्कीस ये, ये है आपका टाइम लिमिट फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी फिर स्टूडेंट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे इफ नो ऑब्जेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेक्शन आप लोग ध्यान रखना ये बार बार है ना ये ये घातक से दो सकता है ये वाला सेक्शन इज दैट पीयूष बीस इक्कीस आपका एवाई कौन सा है मेरे केस स्टडी आपका एवा ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो क्या बोला गया टाइम लिमिट बताइए टाइम लिमिट में क्या बोला गया नो नोटिस कैन बी सर्व आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दी आर ओ आई इज फाइल्ड अभी अभी मैंने आपको बताया था हम लोग वन थर्टी नाइन में डिस्कस कर रहे थे क्या हम डिस्कस कर रहे थे बताओ यही डिस्कस कर रहे थे ना कि आपका अगर वन थर्टी नाइन में रिटर्न फाइल करते हो तो बताओ कब तक रिटर्न फाइल कर देना है आपने वन थर्टी आप रिटर्न फाइल करते हो तो कब तक फाइल कर देना रिटर्न तो रिटर्न आप फाइल करोगे बाय थर्टी थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी या तीस सितंबर दो हजार बीस या तीस नवंबर दो हजार बीस यही अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये वन थर्टी नाइन मन की रिटर्न में बात अगर करेंगे तो अगर 1394 या 1395 के रिटर्न की अगर हम बात करें तो कब तक उसे आरओआई अपनी फाइल कर देनी है तो वो है आपका सेम एवाई के एंड तक और एवाई क्या चल रहा है आपका रेलेवेंट एवाई क्या है 21 तो कब तक फिर आपको 1394 या फिर 1395 में आपको अपनी रिटर्न को फाइल करवा देनी है या रिवाइज करवा देनी है दैट इज 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021 थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन से आप क्या करोगे प्लस सिक्स मंथ करना थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वो है लिखा नो कैन बी सर्व एक्सपायरी ऑफ सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ एंड क्या है इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस एंड है उससे प्लस छह महीना कर दो आप तो उससे छह महीना प्लस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा तीस सितंबर दो हजार इक्कीस 30 सितंबर 2021 डिड यू ऑल गॉट दिस वन तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका टाइम लिमिट वाला पॉइंट कब तक आप नोटिस ऑफ स्क्रूटनी दे सकते हो तो वो सर्विस होगा सर्विस होगा इट कैन बी सर्व बाय थर्टीथ सितंबर 2021 ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना अब आइएगा स्टूडेंट्स ये टू डबल बी का गेम स्टूडेंट्स एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ ये थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि मुझे हमेशा ये टू डबल बी एक ट्रिकी एरिया लगता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को अननेसेसरी घुमाया जा सकता है

Uh, ये रेलिवेंट एवाई में आपकी आर फाइल हो जाएगी आर आपकी फाइल क्या हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी आर ये आपकी फाइल किस सेक्शन में हो रही है या तो आप 139 थर्टी वन में फाइल करें या 139 थर्टी थ्री में करें या 139 थर्टी फोर में करें या 139 थर्टी फाइव में करें लेकिन बीस इक्कीस में जिसको हम ए कहते हैं या फिर आप फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हो जो भी आपको कहना है इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी आर फाइल हो जाएगी आपने आर फाइल हो जाएगी अच्छा अब क्या बोला गया नोटिस ऑफ स्क्रूटनी के लिए कि विद इन सिक्स मंथ्स तक आपको ये सर्व कर देना है सिक्स मंथ्स तक ये सर्विस वाला पॉइंट है तो सर्विस है जो कि हमने लिखा है तीस सितंबर 2021 सर्विस का टाइम लिमिट है तीस सितंबर 2021 पॉइंट क्या है मानो स्टूडेंट्स अब देखो एग्जामिनेशन में क्या है इश्यू अगर आपको किया है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी इश्यू वर्सेज सर्विस धीरज जरूरत नहीं है इशू वर्सेस सर्विस इशू का मतलब होता है डिस्पैच मैंने अपने ऑफिस से डिस्पैच कर दिया है मान के चलो स्टूडेंट्स कि 28 नवंबर सॉरी 28 सितंबर 2021 को हमने नोटिस ऑफ स्क्रूटनी वन फोर्टी का जो नोटिस ऑफ स्क्रूटनी है वो डिस्पैच कर दिया है लेकिन उसको सर्व सर्व का मतलब होता है रिसीव्ड उसको सर्व हुआ है बताओ कब हुआ है एक अक्टूबर 2021 को जबकि सर्विस कब हो जाना चाहिए था यह सर्विस कब हो जाना चाहिए था एक्चुअली सर्व हुआ है, कब हुआ एक सितंबर, सॉरी एक अक्टूबर 2021। जबकि, जबकि कब तक हो जाना चाहिए था? 30 सितंबर 2021। तो ऐसे केस में यह क्या हो, होना चाहिए टाइम बाड़, टाइम बाड़ी है। सर्व का मतलब होता है सर्विस का मतलब होता है रिसीव्ड तो यह कब तक रिसीव होना चाहिए था यह रिसीव होना चाहिए था बाय 30 सितंबर 2021 <coughs> और ये कब रिसीव एक्चुअली हुआ है एक अक्टूबर 2021 तो ये क्या होगा टाइम बार्ड नोटिस अगर ये टाइम बार्ड नोटिस है स्टूडेंट्स बी केयरफुल ना तो एसएससी को इसकी ऑब्जेक्शन रेस कर लेनी चाहिए थी एओ के सामने लेकिन अगर एसएससी ये ऑब्जेक्शन इसकी रे, रेस नहीं करता अबाउट दी वैलिडिटी ऑफ दी नोटिस विच हेज बिन सर्व अपॉन हिम अगर ये एओ के सामने इसकी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है और वो एओ के सामने कॉपरेट करता है तो फिर ऐसे केस में ये जो नोटिस ऑफ स्क्रूटनी है एस पर सेक्शन टू नाइनटी टू डबल बी इट इज डीम्ड बी वैलिड और ये माना जाएगा क्या माना जाएगा कि ये जो नोटिस है उसको उसको सर्व किया गया था इन टाइम ये जो नोटिस है उसको सर्व किया गया था एन टाइम ये 292 डबल बी का डीमिंग फिक्शन है प्रिजम्सन लगा देते हैं अगर एस ने इसकी ऑब्जेक्शन

ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट मतलब ये कि अपील में क्या इसकी वो ऑब्जेक्शन रेज कर पाएगा एंड द आंसर इज नो एंड द आंसर इज नो ठीक है चलिए एक बस जानना चाहता हूं एक कोई स्टूडेंट्स का की तैयारी कैसी है एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट्स आपसे <laughs> एक क्वेश्चन पूछता हूं अब्दुल ने पूछा है कि अगर सर ऑब्जेक्शन कर दिया तो भाई ऑब्जेक्शन कर दिया तो इनवैलिड है नोटिस लेकिन ऑब्जेक्शन वो रेज नहीं करता एओ के समक्ष तो फिर ये नोटिस को क्या माना जाएगा ये माना जाएगा कि आपने नोटिस दिया है इन टाइम और ये वैलिड मानी जाएगी नोटिस मैं आपसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछता हूं ये 292 नाइनटी टू डबल बी का ध्यान से तो सुनना स्टूडेंट ये 292 नाइनटी टू डबल बी का रेफरेंस एक केस लॉ में आया है आईसीआई के ही हाल फिलहाल में एक लिस्ट है उसमें टू नाइनटी डबल बी का एक केस लॉ में उसका रेफरेंस दिया है कोई वो केस लॉ का मुझे नाम बता सकता है देखो तो कितने स्टूडेंट से उतने बारीक से पढ़ा है एक केस लॉ में इसका रेफरेंस है वट इज द नेम ऑफ दैट केस लॉ जहां पे इसका रेफरेंस है धीरज पूछ रहे हाँ धीरज अगर ऑब्जेक्शन करता है तो ये जो मैंने बोला ना आपको अगर वो ऑब्जेक्शन रेस कर लेता है एओ के सामने जब प्रोसीडिंग चल रही है तब तो ये नोटिस इनवैलिड मानी जाएगी ये नोटिस को इनवैलिड माना जाएगा भारती वो ऑब्जेक्शन उसे रेस एओ के समक्ष करना है मतलब ऑर्डर पास एओ अपना ऑर्डर पास करने के पहले ही उसको ऑब्जेक्शन रेस कर देना है ये प्रोविजन कहता है वो बाद में अगर रेस करता है मतलब कि एओ ऑर्डर पास करने के बाद अगर वो रेस करे ऑब्जेक्शन एओ के ऑर्डर के पास होने के बाद अगर वो रेस करता है ऑब्जेक्शन तो ये नोटिस को हम मान के चलेंगे एज वैलिड नोटिस मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्या था एक केस लॉ है उस केस लॉ में प्राइमरली एक केस लॉ स्टूडेंट्स उस केस लॉ में टू नाइन्टी टू डबल बी का रेफरेंस दिया गया है नहीं पता कोई स्टूडेंट्स जिस जो इसका आंसर दे पाए बस ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ने वो चीज एकदम बारीक से पढ़ा है टू नाइन्टी टू डबल बी का टू नाइन्टी टू डबल बी का रेफरेंस है ट्रावन कोर डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 147 में ही क्या वन फोर्टी का नोटिस देना मैंडेटरी है क्या वन फोर्टी का नोटिस देना मैंडेटरी है आईसीआई के ही केस लॉ के मैं मैं बात कर रहा हूं जो आईसीआई के, के केस लॉ का लिस्ट है ट्रावन कोर डायग्नोस्टिक पीयूष ने पक, बोला है बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक है तो स्टूडेंट वैसे बस ये बात है अभी आने वाला ये 147 जल्दी से हम लोग आते हैं चलिए आइए स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग पहले ये कर लेते हैं खत्म करेंगे बाद में वन में आते हैं प्लीज पे टेंशन तो ये नोटिस और स्क्रूटनी तक ठीक है All of you, through with this. मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स नोटिस ऑफ स्क्रूटनी को लेकर वापिस बता दू नोटिस को मैंने क्या बताया था जैसे नोटिस दिया जाए ये देख रहे हो नोटिस जैसे नोटिस आपको मिलता है नोटिस जैसे दिया जाता है प्रोसीडिंग क्या लिखा है मैंने स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीडिंग क्या है स्टार्ट हो जाएगा सो स्टूडेंट्स प्रोसीडिंग विल बी स्टार्टेड और प्रोसीडिंग कैसे कंप्लीट होगा प्रोसीडिंग कैसे कंप्लीट होगा बाय पासिंग ऑफ दी ऑर्डर ऑर्डर पास करना है तब जाके प्रोसेडिंग कंप्लीट होगा अच्छा वन क्लियर है सर ठीक है चलिए थैंक यू अब students, आगे देखेंगे इस बीच में, इस बीच बीच में में जो स्थिति है इसको बताओ क्या कहेंगे पेंडेंसी ये देख रहे हो पेंडेंसी है प्रोसीडिंग स्टार्ट है और प्रोसेडिंग कंप्लीट के बीच में ये जो आप लोग बोलोगे ना क्या बोलेंगे आप लोग <coughs> आप लोग बोलेंगे कि पेंडेंसी है

बीस इक्कीस तो बीस इक्कीस से बारह महीना आप लोग आपको पता ही होना चाहिए ट्रांसफर प्राइजिंग केस में ट्वेंटी का एंड का मतलब क्या होगा इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस बीस इक्कीस का एंड का मतलब इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस उससे प्लस बारह महीना कर लें आप तो हो जाएगा इकतीस मार्च दो हजार बाईस उससे प्लस बारह महीना कर लें तो इकतीस मार्च दो हजार बाईस और अगर इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस से अगर मैं प्लस ट्वेंटी फोर मंथस कर लू अगर मैं इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस से प्लस ट्वेंटी फोर मंथ कर लू तो ये हो जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपका <coughs> बिल्कुल सही ये देखिए आप थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये टाइम लिमिट है तो जो हमारा केस स्टडी है ना रेलिवेंट एवाई बीस इक्कीस रेलोवेंट एफ बी सिक्किस उसका एक लॉजिकल लाल में जो भी मैंने बनाया है ये देखो रेड में जितने भी आए ये आपको उसके टाइम लिमिट को खींचना है कल जैसे आप लोग ने बोला था कि सर हमें टाइम लिमिट पे थोड़ा सा ये दिखा दो तो ये लाल चीज है ये टाइम लिमिट को दर्शाता है टाइम लिमिट देख लिया आपने इसके साथ साथ स्कोप अब स्कोप पे फोकस करते हैं स्कोप किसका असेसमेंट ऑर्डर किस सेक्शन में असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा रहा है 143 में और वन फोर्टी फोर में इसका स्कोप देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है लिखा है फ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द मटेरियल गैदर्ड स्टूडेंट बहुत अकाउंट ऑल दटेरियल एल पास दब देखो मैंने कंपेरिजन डाला है ग्रीन में ग्रीन में नीचे कंपेरिजन जा रही है अब लोग ग्रीन में क्या कंपेरिजन मैंने डाला है तो यह है आपका ग्रीन में कंपेरिजन कंपैरिजन में <coughs> देखिए क्या लिखा है यहां पे इंटीमेशन जो इंटीमेशन है वो किसके बेसिस पर है इट इज ऑन बेसिस ऑफ ऑन बेसिस ऑफ द आरओआई जो इंटीमेशन दिया था वन फोर्टी थ्री वन में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दी आर वेयर एज जबकि ऑर्डर जो है किस सेक्शन की बात अभी हो रही है ऑर्डर का वन फोर्टी थ्री एंड वन फोर्टी फोर ऑर्डर जो है

रिटर्न के बेसिस में नहीं करेगा ऑर्डर जो पास होगा दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल विच इज गैदर्ड तो जो एओ मटेरियल गैदर करेगा तो वो गैदर करने की एक प्रक्रिया होगी भाई मटेरियल अगर वो इकट्ठा कर रहा है तो उसको इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया होगी सो व्हाट इज दैट प्रोसीजर टू कलेक्ट द मटेरियल वो क्या वो प्रक्रिया है वेयर बाय ही विल कलेक्ट द मटेरियल तो देखिए स्टूडेंट्स प्रक्रिया क्या है ध्यान से देखना पावर ऑफ पावर टू गैदर एविडेंस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग एओ के पास ऑर्डर जो पास करना है उसे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल तो material वो कैसे गैदर करेगा उसके लिए उसके पास क्या क्या पावर है अवेलेबल अंडर दूडेंट दे, पावर का पूरा लिस्ट आपके सामने लिस्ट दे दिया वन थर्टी थ्री वन वन थर्टी थ्री ए वन थर्टी थ्री बी ये सीक्वेंस मैंने डाल के रखा है फिर आगे देखिए पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर पांच क्या है लिखा है 144 ए 127 142 टू ए 142 ए ये सारे सेक्शन हैं जिनके तहत वो पावर एक्सरसाइज करके असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा मटेरियल को इकट्ठा करेगा और उस मटेरियल के बदौलत वो क्या अपना ऑर्डर पास कर सकता है एंड आंसर इज यस क्योंकि जो ऑर्डर पास करने का जो स्कोप है वन एंड वन में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दी मटेरियल गैदर्ड

को कर लेते वन थर्टी थ्री वन थर्टी वन वन थर्टी थ्री थर्टी थ्री बी आप लोगों को स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना नोटिस करना ये आप अभी यहाँ पे लिखा नहीं है ये आपको करना है इस पर स्टूडेंट्स नोटिस करना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में भी बनेगा या इसके अंदर पेनाल्टी वेनाल्टी कुछ ऐसे रहेंगे ना रहे कुछ पॉइंट छोटे छोटे केस स्टडी बनते हैं आईसीआई है, काफी पॉपुलर आपको भी पता होगा ये पूछती है आईसीआई अच्छा ये पूरे सेक्शन का फोकस पॉइंट अगर आप देखोगे ना सारे सेक्शन का फोकस पॉइंट जानते हो क्या होगा क्या होगा इस पूरे सेक्शन का फोकस पॉइंट एक ही है है <laughs> और वो है, क्या कि मटेरियल इकट्ठा करना है आप नोटिस करना वन थर्टी थ्री में बहुत लोगों का नाम लिखा रहेगा वन थर्टी थ्री में लेकिन उसमें एओ का भी नाम लिखा रहेगा यकीन नहीं आता तो देख लेना बाद में ठीक है उसी तरह थर्टी थ्री में क्या है ये बहुत बड़ा प्रो, प्रोविजन है जहां पे एओ के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को पर्सन को क्या कर सकता है नोटिस दे सकता है फॉर दी दर्पज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच ही ही फॉर दी दी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दी एक्ट जो प्रोसीडिंग एक्ट का है उसके उस, उसके कॉन्टेक्स में वो किसी भी पर्सन को कोई भी पर्सन होगा उसको क्या है वो नोटिस दे सकता है अच्छा थोड़ा नोटिस करना 133 में सबसे जो एक सबसेक्शन है उसका सबसेक्शन सिक्स उसके अंदर लिखा है एनी पर्सन मैंने क्यों बोला ये को वो दे सकता है, पे लिखा है of of के दिमाग में क्या जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में रहता है 133 में, कि वो सिर्फ कोई बैंक ऑफिशियल को ही नोटिस दे सकता है वो सिर्फ क्या है बैंक ऑफिशियल को ही नोटिस दे सकता है ये स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है नहीं भाई बैंक ऑफिशियल मतलब कि बैंक ऑफिशियल को तो दे ही सकता है नोटिस उसके अलावा क्या मैंने कहा है कोई भी पर्सन होगा मतलब एक होटल में मैंने किसी को नोटिस दे दिया उनको कि जिस आपके होटल में जो भी व्यक्ति ने दस हजार के ऊपर या पंद्रह हजार के ऊपर जिसने बिल की पेमेंट का भुगतान किया है आपके होटल में उनका सबका हमें लिस्ट दीजिए ऐसे इंफॉर्मेशन भी वो मंगा सकता है मतलब कहने का मतलब ही वाइड पावर है और यही 133 का ये गेम है तो एओ ध्यान रखना एओ का नाम लिखा है एओ ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है लेकिन इस पावर को देखते हुए कि ये काफी वाइड है इन नेचर तो हो सकता है कि भाई एओ क्या करे इसको आ, बहुत उसके लेवल के एओ के लेवल पे ये मिसयूज किया जा सकता है पावर पावर को मिसयूज किया जा सकता है इस वजह से प्रॉपर चेक रखा गया है चेक क्या है कि मिस्टर एओ ध्यान रखे मिस्टर एओ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको यह पावर एक्सरसाइज करना है तो बहुत जरूरी है कि आपको हायर अथॉरिटी से क्या करना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगा और यह हायर अथॉरिटी का लेवल शुरू होता है स्टूडेंट्स जेसीआईटी से फिर सीआईटी फिर सीसीआईटी फिर पीसी वो वो चलता जाएगा जे से लेवल स्टार्ट होता है हायर अथॉरिटी का फिर सीआई इस लेवल पे आगे ऊपर पर जाएगा कहने का मतलब मिस्टर एओ ये पावर मिस ना हो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा हायर अथॉरिटी से इसकी परमिशन या अप्रूवल लेनी पड़ेगी दिस इज जस्ट टू सेव गार्ड वन में सेव गार्ड क्योंकि काफी वाइड पावर है अच्छा ध्यान से सुनना छोड़ना सुनन, एकदम ध्यान से सुनना लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई टाइम लिमिट जो है बहुत कम है जानते हो ना आप लोग यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही कम है बताओ क्या है बारह महीने का टाइम लिमिट है आप खुद ही देखो यहाँ पे बारह महीने का टाइम लिमिट है और अगर वो बस ऐसी अप्रूवल के लिए जाए और वेट करता रहे कि भाई उनसे अप्रूवल जब तक आएगा तब तक बैठे हैं तब तक तो ऐसी काफी टाइम खराब हो सकता है इसी वजह से 133 में ये भी लिखा है कि अगर मिस्टर एओ आपके सामने अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है मतलब प्रोसीडिंग आपके सामने आपकी कोई प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग चल रही है तो उस हालात में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है परमिशन लेने की जरूरत क्योंकि उनको पता है क्या पता है टाइम लिमिट खुद ही देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स बारह महीने के अंदर आपको पूरा पूरा मामला वाइंड अप कर देना है बारह महीने के अंदर अंदर आपको पूरा मामला वाइंड अप कर देना है इस वजह से इस वजह से क्या इस वजह से प्राइमरली ये 133 में ये लिखा गया है कि अगर एओ के सामने प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना नहीं है अगर उसके सामने अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग पेंडिंग नहीं है तब जाके ही उसको क्या करना पड़ेगा तब जाके ही उसको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है तो प्रोसीडिंग पेंडिंग तो फिर एओ को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है प्रोसीडिंग अगर कोई पेंडिंग नहीं है तो फिर उस केस में ही एओ क्या करेगा अप्रूवल लेगा अच्छा अब ध्यान तो सुनना स्टूडेंट मैंने नोटिस दिया जैसे मैंने कहा ना ये बहुत वाइड प्रोविजन है ये वो किसी भी पर्सन को ये नोटिस दे सकते हैं और उनसे क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं अगर सामने वाला पर्सन अगर वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दे वो बोलेगा अरे मिस्टर एओ आपको हम जानते नहीं कहाँ के हो आप कोई मुंबई के एओ और मैं रहता हूं कोलकाता में आपने मुझे नोटिस दे दी बोले कि हम आपके सामने कोई जानकारी नहीं देंगे आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मत दो बताओ क्या कॉन्सिक्वेंस होगा स्टूडेंट्स अगर वो सामने वाले पर्सन ने वो नोटिस को कंप्लाय नहीं किया जो 133 में दिया गया तो बताएं क्या कॉन्सिक्वेंस होगा जल्दी से टाइप करके बताओ जल्दी से टाइप करके बताओ नहीं अब्दुल सबके लिए सबके लिए अब्दुल परमिशन सबके लिए लगेगी पीयूष जल्दी से स्टूडेंट बताए हाँ हाँ रीअसेसमेंट पीयूष हो जाएगा सामने वाले पर्सन ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया इंफॉर्मेशन <coughs> नहीं दिया बोले नहीं देना है सो द पर्सन जिसको नोटिस दिया है वो पर्सन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है क्या करेंगे ऐसे केस में क्या करेंगे बिल्कुल जसप्रीत ने सही कहा है देखिये जसप्रीत जी ने एकदम सही कह दिया पेनाल्टी लगेगी और अमाउंट ऑफ पेनाल्टी भी है हंड्रेड रुपीज पर डे हंड्रेड रुपीज पर डे बिल्कुल सही कह रहे हो और ये चीज छोटी छोटी बातें ये पेनाल्टी का पॉइंट यहां पर आता है पेनाल्टी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा ये पेनाल्टी बिल्कुल सही <coughs> ये लगेगा स्टूडेंट्स ये आपका 133 है उसके बाद थर्टी 131 है उसके बाद पेनाल्टीज हंड्रेड रुपीज पर डे टू सेवेंटी टू है स्टूडेंट अब वन थर्टी वन पे ध्यान देना वन थोड़ा सा पावर इसका भी क्या है ये भी अपने आप में वैसे ही वाइड पावर रखता है 131, 131 का पावर के मुताबिक ये आप किसी को भी एक समन्स जारी करवा सकते हो यू कैन इशू दमीशंस एक तरीके से एक कोई भी नोटिस दे सकते हो जिसके तहत आप किसी पर्सन की ले सकते हो ये 131 को इसी की इसके लिए कहा जाता है द पावर टू इशू कमीशंस और द पावर टू इश्यू समन्स और ध्यान से सुनना जब आपकी हाजिरी वो मांगेंगे कि आप हमारे सामने आइए प्राइमरीली वो देखना चाहता है क्योंकि एक होता है ना कि आप पेपर में तो कुछ भी लिख के दे सकते हो लेकिन आके हमारे सामने मैं अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में अटका दूं तो ये भाई आप अटक सकते हो बहुत टाइम पे 131 थर्टी वन किया आता है स्पेसिफिकली जानते हो किसको करते हैं वो हाउस वाइफ को करते हैं जिसको हस्बैंड क्या करते हैं मालूम है मैं वो डाइवर्ट करते हैं अपनी इनकम उनको हाउस वाइफ को रख के कि भाई उसका तनख्वा है उस टाइप की और बाद में जब हाउस वाइफ आती है वहाँ पे तो वो बोलती है भाई भाई जो मेरे शोहर ने बताया वही मैं बता रही हूँ मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो मुझे कुछ आता नहीं है प्राइमरी तो so, वो वहीं पर बोल देते बोल दे, बस हमें यही जानना था ए भी बोल देता है बस मुझे यही सुनना था मोहतरमा की जो आपके शोहर ने आपको बताया था बस आप वही बोल रही हैं मुझे बस यही सुनना था और बोलेंगे ठीक है भाई लेकिन स्टेटमेंट हमने दिया है स्टेटमेंट थोड़े ना हम मुकर भी सकते हैं लेकिन ध्यान रखना 131 थर्टी वन के कार्रवाई में अगर आपने स्टेटमेंट दिया है दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अटमेंट गिवन अंडर दी ओथ दैट स्टेटमेंट इज गिवन उट इसमें स्टूडेंट और एक बहुत स्पेशल पॉइंट है 131 में ध्यान से सुनना और वो स्पेशल पॉइंट है कि आपको आपकी हाजिरी भी ली जा सकती है और साथ में आपको बोला जा सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एंड मटेरियल भी आपने साथ लेकर आए तो आपको फिर आना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए साथ ही साथ आपको अपनी बुक्स एंड मटेरियल भी कैरी करनी पड़ेगी टू बी जिस अथॉरिटी में का का नाम नाम भी भी शामिल है है लिखा हुआ है, 131 में देख लेना आप लोग आप बुक्स दे रहे हो क्वेश्चन इंपाउंड कर सकता है उसको इंपाउंड मतलब कि बिल्कुल कर सकता है 131 में ये पावर दिया गया है और पंद्रह दिन तक ये क्या है बुक्स को करेगा और बियॉन्ड 15 डेज भी अगर वो चाहे तो वो कर सकता है लेकिन डेज के लिए क्या करना पड़ेगा उसको हायर अप्रूवल से परमिशन लेनी पड़ेगी स्टूडेंट हायर अथॉरिटी से उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अच्छा वन थर्टी वन का स्टूडेंट ध्यान से सुनना इसको जिस पर्सन को ये नोटिस या जिस पर्सन को ये कमीशन दिए गए हैं अगर वो पर्सन इसको डिफॉल्ट करता है वो बोलता है कि मुझे नहीं कंप्लाई करना है एंड आंसर इज यस और पेनाल्टी स्टूडेंट जो वन थर्टी वन की होगी वो कितनी होगी दस हजार की वन थर्टी वन की पेनाल्टी दस हजार वन थर्टी थ्री की जो पेनाल्टी है वो हंड्रेड रुपीज पर डे की पेनाल्टी है और वहां पर आपका जो है दस हजार की पेनाल्टी है स्टूडेंट वन थर्टी ए और थ्री बी ये काफी पॉपुलर सेक्शन है ए सर्वे है और वन थर्टी बी ये भी सर्वे है लेकिन बिटवीन वन थर्टी ए एंड थ्री बी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा दोनों के बीच में डिफरेंस ये वन थर्टी थ्री ए का जो सर्वे वाला जो प्रोविजन है ये काफी वाइड प्रोविजन है सर्वे का इट इज अ वेरी वाइड प्रोविजन फॉर सर्वे वेर इज वन बी वाला जो प्रोविजन है इट इज अ लिमिटेड सर्वे तो वन ए वाला जो सर्वे वाला है वो काफी वाइड प्रोविजन है थर्टी बी वाला जो है वो लिमिटेड सर्वे वाला है इस ये सर्वे का पॉइंट है इसमें बस आपको बता दो ध्यान 133 A में, पहले तो जिस प्लेस में आप वो सर्वे कर सकते हो ध्यान से तो सुनना ये पॉइंट और आप देख लेना कंपैरिजन में यहां पे पहले तो जो जगह पे आप जाओगे सर्वे करने के लिए 133 ए में स्कोप ज्यादा है 133 में सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस में ही आप जा सकते हो 133 ए में तो आप जा सकते हो इवन ऑन चैरिटेबल जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके लोकेशन में भी आप सर्वे करने जा सकते हो लेकिन 133 बी जो है ना वो काफी लिमिटेड सर्वे है वो सिर्फ और सिर्फ आप प्लेस ऑफ बिजनेस में ही जा सकते हो 133 ए में जो टाइम है कब आप सर्वे के लिए जा सकते हो उसके लिए भी आपके पास है बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है तो विद इन बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है तो विद इन द बिजनेस अगर एनी अदर प्लेस है लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट

काफी पॉपुलर क्वेश्चन है शायद बताने की जरूरत नहीं है वन थर्टी थ्री बी पे क्वेश्चन आईसी पूछती है कि एक होटल है उनके यहाँ पे जाना है सर्वे करने के लिए और वो रात को आठ बजे जा रहे हैं तो क्या आठ बजे पहुंचना होटल पे क्या वो माना जाएगा एज अ जस्टिफाइबल सर्वे के लिए जस्टिफाइबल माना जा सकता है आंसर इज यस बिल्कुल माना जाएगा और उसकी वजह क्या है वो आपको पता है क्या है वो वजह स्टूडेंट्स क्योंकि वो बोलेंगे कि आठ बजे इज विद इन द बिजनेस आवर्स इस वजह से सर्वे का वो जो वो वाला पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट सही है <coughs> अब स्टूडेंट्स एक और एक बात ध्यान रखना 133 ए वाला जो वाइडर सर्वे है उसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी 133 ए वाला जो सर्वे है उसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्या कर सकते हो सीज कर सकते हो इंपाउंड कर सकते हो सीज एंड इंपाउंड कैन बी डन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन थर्टी ए जबकि वन बी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड नहीं किया जा सकता और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो इम्पाउंड करने वाली जो बात है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो इम्पाउंड करने वाली बात है वन थर्टी थ्री ए में सेम वही है जो वन थर्टी वन में था कि पंद्रह दिन के लिए आप बुक्स को क्या कर सकते हो वन फन थर्टी थ्री के सर्वे में आप उसको इम्पाउंड कर सकते हो सीज कर सकते हो जबकि वन थर्टी थ्री बी में ये पावर नहीं है लिमिटेड सर्वे है ना इसी वजह से तो मैंने कहा क्या कहा लिमिटेड सर्वे तो लिमिटेशन किस बात की है 133 बी में लिमिटेशन किस बात की है तो पहली लिमिटेशन है कि जो प्लेस ऑफ सर्वे है वो लिमिटेड है दूसरा है टाइमिंग ऑफ सर्वे और तीसरा है कि सर्वे जब मैं कर रहा हूं तो मेरे पास क्या पावर्स है क्या मैं बुक्स को मैं सीज कर सकता हूं इंपॉन्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं यह आपकी तीसरी लिमिटेशन वन बी की ठीक है आप बोलोगे सर जब ऐसी बात है तो फिर आप वन बी में सर्वे क्यों करोगे आपको जाना चाहिए में में जाइए सर्वे कीजिए बी में में क्यों बेकार आदमी जाएगा सर्वे करने के लिए जब इतनी पाबंदियां लगी हुई है वो एओ जो है वो तब भी प्रेफर कर सकता है कि वो वन थर्टी बी में जाए सर्वे करने के लिए एज कंपेयर टू वन थर्टी ए वो किस केस में जाएगा जानते हो क्योंकि वन थर्टी में बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है बताओ रिस्ट्रिक्शन क्या है वो रिस्ट्रिक्शन है कि ए को अगर 133 थर्टी ए में सर्वे करना है तो हायर अथॉरिटी से उसको परमिशन लेके जाना पड़ेगा तो ऐसे ही पहुंच गए किसी के भी अल्टीमेटली होटल में जाके बोला कि हायर है सर्वे करने के लिए अभी आठ बजे का टाइम है पहले डिनर करेंगे उसके बाद सर्वे तो ये ऐसे ही बेकार का ये ताम झाम ना हो जाए इस वजह से अगर 133 ए में अगर आपको सर्वे करवाना है तो आपको हायर अथॉरिटी से क्या करना है परमिशन लेके जाना पड़ेगा और जबकि लिमिटेड सर्वे जो आप वन बी में करोगे लिमिटेड सर्वे तो वो आप बिना परमिशन के भी क्या है जा सकते हो काफी लिमिटेड सर्वे इस वजह से ये दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है सो दिस इज़ फंडामेंटल डिफरेंस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना बिटवीन वन थर्टी थ्री एंड थर्टी आइए अब आते हैं फिफ्थ फाइव सिक्स ये चार पॉइंट को हम लोग अभी फोकस करेंगे स्टूडेंट्स आप बताओ कि जब नोटिस ऑफ स्क्रूटनी में देता हूँ जब नोटिस ऑफ स्क्रूटनी देता है एस तो बुक्स मंगाता है मटेरियल्स मंगाता है यही होता है ना जनरली यही देखते हैं कि उसकी बुक्स मंगाई जाती है मटेरियल्स मंगाया जाता है और जब भी वो बुक्स मंगाता है एक एग्जांपल देता हूँ बुक्स किसकी मंगाई जा रही है स्टॉक ब्रोकर की मंगाई जा रही है और जैसे उसने स्टॉक ब्रोकर की बुक्स मंगाई उसको उस स्टॉक ब्रोकर का बुक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सो द बुक्स ऑफ ही इज फाइंडिंग अप फाइंडिंग एज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स काफी डिफिकल्ट लग रहा है उसको समझने में और इसी वजह से जानते हो क्या करने की वो कोशिश करेगा ही विल देन स्टार्ट टू गिव द डायरेक्शन वो बोलेगा कि भाई मुझे बुक समझ में नहीं आ रहा तो उसके पास क्या उपाय है एओ जिसने स्क्रूटनी के जरिए बुक्स मंगाई है फॉर दी पर्पज ऑफ स्क्रूटनी अब एओ के पास बताओ क्या उपाय है पहला उपाय कि वो 144 ए में जेसीआईटी को रेफरेंस दिलवा दे जे का लेवल ऊपर रहता है ठीक है ना अब जे एक हायर अथॉरिटी है काफी नॉलेजेबल है उसको वो अप्रोच कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे अपने असेसमेंट के लिए कुछ डायरेक्शन चाहिए आपके आपके ऑफिस से आप प्लीज मुझे मेरी मदद करें या तो ए खुद से अप्रोच करे जे को या फिर जे सी आई टी सुक्शन एओ को दे सकता है शायद जेसीआईटी को पता होगा कि ये सब निकम्मे लोग हैं इनको कुछ आइडिया होगा नहीं पिछला कुछ एक हिस्ट्री हिस्ट्री होगा हिस्ट्री में पता रहेगा कि भाई ये लोग नहीं कर पाते बेकार का असेसमेंट इतना बेकार करते हैं कि आगे अपील में चला जाता है केस तो इस वजह से खुद से भी जे क्या कर सकता है डायरेक्शन दे सकता है या फिर एससी उसको अप्लाई करेगा जे को बोलेगा कि भाई पिछला असेसमेंट का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है इस ए को कुछ नहीं आता है प्राइमरी पता नहीं इसको कौन ए बना दिया है और इस वजह से प्लीज़ ये साल तो कम से कम हमें बख्श दो और आप इसको पहले से ही सदबुद्धि दे दो कि किस तरीके से यह डायरेक्शन ये असेसमेंट आगे करना है तो देखो वन फोर्टी फोर ए में तीन बातें हैं स्टूडेंट्स एक तो खुद से वो जा सकता है बिफोर द जेसीआईटी और उससे डायरेक्शन ले सकता है दूसरा जेसीआईटी सुओ जेसीआरटी सुको डायरेक्शन दे सकता है और तीसरा क्या है एस एस सी अपने तरफ से उसको अप्लाई करेगा सो एस टू गेट द रेफरेंस तो ऐसे केस में जेसीआईटी दे दे उसको तो तो उसको मिल जाएगा जो चीज़ की इसको क्लैरिफिकेशन चाहिए वो क्लैरिफिकेशन उसको मिल जाएगी और उस क्लेरिफिकेशन के बदौलत वो अपना असेसमेंट आके कंक्लूड कर सकता है लेकिन ये भी तो मुमकिन है स्टूडेंट्स कि जे है ही नहीं मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है कि कोई जे ऐसा है ही नहीं और अगर कोई जे ऐसा है ही नहीं अब तो बेचारा ए अटक जाएगा फिर वो क्या करेगा बुक्स तो मंगा लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है असस्मेंट ऑर्डर कैसे पास करूं तो फिर उस केस में अब उसको क्या चाहिए होगा वो जाएगा सीआईटी के पास और सीआईटी को बोलेगा मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है काइंडली आप क्या करें स्पेशल ऑडिट का मुझे डायरेक्शन दिलवा दे अब स्पेशल ऑडिट एक एक्सटर्नल एजेंसी जो कि सीए है उस एक एक्सपर्ट है उस फील्ड का उससे एक आप ऑडिट ऑप्टेन कर रहे हो दे देंगे सीआईटी स्पेशल ऑडिट की परमिशन लेकिन एक बहुत बड़ी कमियां है वन फोर्टी टू टू ए का सब पॉइंट आप देखोगे तो सी डायरेक्शन दे सकता है

लेकिन सीआईटी बिफोर ग्रांटिंग दायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट उसको को एक बार क्या करना होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीट देना होगा एससी को एक बार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देना होगा बिफोर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पेशल ऑडिट ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजरल पॉइंट है नजरअंदाज नहीं करोगे इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं चलिए फिर वो अकॉर्डिंगली क्या कर देगा वो स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे देगा और फिर जो सी सी है स्पेशल ऑडिटर है उसको विद इन डेज में क्या करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी विद इन डेज में उसको अपनी रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी और फिर अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के पहले उस रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के पहले कौन रिपोर्ट को इस्तेमाल करेगा कौन रिपोर्ट को इस्तेमाल करेगा एओ उसी को तो चाहिए था तो वो रिपोर्ट को इस्तेमाल करने के पहले एओ को फिर से फिर से क्या एक बार अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी किसको देनी पड़ेगी टू दी अगर उसने वो अपॉर्चुनिटी दिया तब जाके ही ये क्या माना जाएगा जायज जायज माना जाएगा स्टूडेंट्स इट विल देन बी बी टू वैलिड वन वन यू ऑल गॉट दिस ठीक है तब जाके ही ये मानी जाएगी <coughs> प्राइमरी इसकी स्पेशल ऑडिट ये जो है जायज मानी जाएगी अच्छा हो सकता है कि स्पेशल ऑडिट जब चल रहा हो तो एस की तरफ से काफी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़े एस कोई भी कॉपरेट नहीं कर रहा स्पेशल ऑडिटर को तो अगर कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है स्पेशल ऑडिटर को एस की तरफ से तो एस ध्यान रखना दो कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहना एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए वो दो कॉन्सिक्वेंस क्या है जानते हो एक है पेनाल्टी दस हजार की फ्लैट और दूसरा है बेस्ट जजमेंट असमेंट पेनाल्टी दस हजार रुपीज फ्लैट और दूसरा बेस्टमेंट असेसमेंट अगर एस की तरफ से कॉपरेशन नहीं मिलता है तो लेकिन स्पेशल ऑडिट की स्टूडेंट सबसे बड़ी खामियाजा जानते हो क्या है? सबसे बड़ी स्पेशल ऑडिट की सबसे बड़ी सब खामियाजा ये है स्टूडेंट स्पेशल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि जो फीस है ना स्पेशल ऑर्डर को जो देना पड़ता है वो किसको देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही कह रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जेब से ही जाएगा फीस ये फीस स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने जेब से देना पड़ेगा स्पेशल ऑर्डर को फीस और यही सबसे उसका बड़ा डीमेरिट है दिस इज द बिगेस्ट डीमेरिट स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने जेब से जा रहा है बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स कि अपने जेब से अल्टीमेटली जाने वाला है और इसी वजह से जानते हो कोई पसंद नहीं करता गवर्नमेंट इसको लास्ट रिसोर्ट रखता है लास्ट रिसोर्ट रखेगा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब जाके इस पर जेब से जा रहा है पैसा इसी वजह से स्टूडेंट्स ये 127 बहुत क्रिटिकल सेक्शन है आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है क्या खास बात है फॉर में क्या खास बात है तो स्टूडेंट जो खास बात है 127 में ही वो ये है ध्यान से सुनना इसको भी वन ट्वेंटी सेवन बोलता है कि जो सीआईटी है सीआईटी देखो स्पेशल का डायरेक्शन भी सी आई टी देगा तो उसी तरीके से वन ट्वेंटी सेवन में जो सी आई टी है अगर वो चाहे वो एक एओ से केस क्या कर सकता है दूसरे एओ को ट्रांसफर करवा सकता है एक एओ से वो अपना केस को ट्रांसफर कर सकता है टू अनदर एट सी आई टी कैन डू इट दैट सी आई टी कैन डू इट

प्रायर परमिशन एस को देनी नहीं पड़ेगी कोई भी अपॉर्चुनिटी एस को देनी नहीं पड़ेगी एस को कोई अपॉर्चुनिटी देनी नहीं पड़ेगी अगर वो जो दूसरा भी जिसको आपने ट्रांसफर किया वो एओ भी जिसको लेकिन अगर वो जो दूसरा जो एओ है अगर वो दूसरे शहर का है दूसरे सिटी का है तो क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी एंड द आंसर इज यस एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे आपको देखो एग्जामिनेशन में आ सकता है गुरगांव का एस था ए भी गुरगांव में था वहां से केस ट्रांसफर होता है टू ग्रेटर कैलाश ये दिल्ली के जूरून में आता है जबकि अगर पैदल भी जाओ अगर आज देखोगे तो वो साउथ दिल्ली का है और एक गुरगांव में है तो गुरगांव का एओ था और वो ट्रांसफर केस आपने कर दिया किसको ट्रांसफर किया एओ ने आ, किसको ट्रांसफर केस हो जाता है टू द एओ इन साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश में क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है फिर से कि क्या ऐसे केस में अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी एस को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत पड़ेगी एंड आंसर इज यस बिल्कुल अप्रूवल देने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स और उसका रीजन क्या है उसका रीजन <coughs> <coughs> उसका रीजन है कि शहर चेंज हो गया सिटी चेंज हो गया गुरगांव आ गया आपके हरियाणा में और दिल्ली आपका तो यूनियन टेरिटरी में आ गया एकदम मैंडेटरी हो जाएगा इस पड केस में दूसरा दूसरा पॉइंट पॉइंट जो जो है जो है वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर दिल्ली टू दिल्ली मतलब कि एक साउथ दिल्ली दिल्ली से ईस्ट मैंने केस को ट्रांसफर किया जबकि बहुत ज्यादा सफर है दो तीन घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक में तो क्या उसमें अप्रूवल देने की जरूरत पड़ेगी कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि विद इन दिल्ली ओनली ये क्या है ये केस ट्रांसफर हुआ है तो अगर सेम सिटी है तो कोई अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है अगर शहर चेंज हो जाता है सिटी अगर चेंज हो जाता है तब जाके ही ये अप्रूवल चेंज होगा ठीक है स्टूडेंट्स ठीक है ना अब और एक लास्ट पॉइंट बस सुन लो इसका वन ट्वेंटी सेवन का और एक लास्ट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आ सकता है स्टूडेंट्स हो सकता है कि जिस एओ को आपने क्या किया है आपने केस को ट्रांसफर किया है किस कौन ट्रांसफर करेगा वन ट्वेंटी सेवन में कौन करता है ट्रांसफर केस सीआईटी करता है क्यों करता केस क्योंकि वो जानता है क्योंकि बेकार में स्पेशल ऑडिट दोगे तो जेब से खर्चा होगा तो क्यों ना मैं ये देखूं कि कोई ऐसा कोई होनहार एओ है जिसको इस टाइप के केस की जानकारी है सूझबूझ है तो वो उसको ही ट्रांसफर कर दो केस ताकि वो कंप्लीट कर देगा असेसमेंट हमारा खर्चा बच जाएगा ठीक है <coughs> तो जिस ए को आपने ट्रांसफर किया है अगर वो सेम सी को रिपोर्ट करता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है जिस एओ को आपने केस ट्रांसफर किया है अगर वो सीएम सीआईटी को अगर रिपोर्ट करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत आती है जब वो उस पर्टिकुलर सी उस पर्टिकुलर ए को ट्रांसफर करता है जो दूसरे किसी सीआईटी को रिपोर्ट करता है दूसरे किसी सीआईटी को रिपोर्ट करता है दिक्कत तब आती है अब देखो वो एओ जो है ना वो जो एओ जिसको आपने आप मतलब कि सीआईटी ने जो ट्रांसफर किया केस वो बेचारा एओ कुछ बोल नहीं पाएगा उस वो भले ही वो दूसरे जिस जिस एओ को ट्रांसफर किया वो एओ भले ही दूसरे CIT को रिपोर्ट करता हो लेकिन इस सीआईटी को बोल नहीं पाएगा जिसने उसको केस ट्रांसफर किया है क्यों क्योंकि वो सीआईटी है आपने अपने ऑफिस में ही देखा होगा कि आपका जो आपका जो सीए है उसका कोई फ्रेंड वो भी सीए वो फोन करता है आपके ऑफिस में और आपको फोन करके बोलता है एक काम करो इसका रिकनसिलेशन स्टेटमेंट बना के मुझे शाम तक दे दो आपको अंदर तो खून खोल जाता होगा एक तो आप मेरे बॉस हो नहीं <coughs> अंदर ही अंदर लेकिन खून खोल कुछ बोल तो नहीं पाते होंगे ये तो आपने तीन साल के आर्टिकलशिप में महसूस भी किया होगा ऐसे दिन भी आपने देखे होंगे कुछ नहीं बोल पाए लेकिन जबकि आपकी रिपोर्टिंग उनको है नहीं वो आपका बॉस ही नहीं है लेकिन जानते हो कि वो सी ए है प्राइमरी और आप आर्टिकल हो भले ही आपका वो बॉस नहीं है ऐसा ही ए पे भी बीतती है कि भाई सी ने डाल दिया उसको और वो क्या करे कुछ बोल नहीं पाता है तो उस हालात में ध्यान रखना स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये examination के critical है step क्या है क्या कि ये सी जिस टी को वो रिपोर्ट करता है उससे एक पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना पड़ेगा उसको उस दूसरे सीआईटी से पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना पड़ेगा अप्रूवल कह, कहने का मतलब है अप्रूवल और पॉजिटिव ऐसा नहीं कि वो सीआईटी ने कोई ऑब्जेक्शन जाहिर नहीं किया इस वजह से ये वैलिड है नहीं ऑब्जेक्शन जाहिर नहीं किया इसका मतलब वैलिड नहीं है आपको दूसरे सीआईटी से पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना पड़ेगा क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन होगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपने केस हमारे एओ को ट्रांसफर किया है ये टाइप का पॉजिटिव कंफर्मेशन जरूरी है पॉइंट जहां पे ये केस दूसरे पर्टिकुलर सीआईटी को दूसरे पर्टिकुलर एओ को ट्रांसफर करता है अगर सेम सीआईटी को रिपोर्ट करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहां पर आएगी जब ये एओ दूसरा एओ दूसरे सीआईटी को रिपोर्ट करता है तब उस केस में इस सीआईटी को दूसरे सीआईटी से पॉजिटिव अप्रूवल लेने पड़ेंगे वन फोर्टी टू टू स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया स्पेशल ऑडिट इसकी डिस्कशन हमारी हो गई लेकिन जैसे मैंने कहा ना ये आपका होगा लास्ट रिकॉर्स स्पेशल ऑडिट का क्यों पैसे जेब से जाते हैं किसके गवर्नमेंट के

क्या वैल्यूशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है उसको एओ नज़रअंदाज कर सकता है वाइल पासिंग ऑफ द ऑर्डर? बताओ उसका आंसर ये केस लॉ है ध्यान रखना आने वाला है मैं पीयूष आपका आंसर दे दूँगा लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसका रिप्लाई सब लोग करें क्या इसके ऑफिसर के रेफरेंस को नज़रअंदाज किया जा सकता है जल्दी आप लोग बताओ नरसिमदास कर सकते हैं कि आप इग्नोर करोगे हटाओ पसंद नहीं आया रिपोर्ट बताओ दीजिए किया जा सकता है नहीं कर सकते हो बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स आप सभी लोग नहीं करोगे नरसिमहन लिखा है वो बहुत बड़ा केस लॉ का नाम है वो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट होता है रामजी दामजी भाई थेसिया ऐसे कुछ नाम है उसका इतना बड़ा नाम है वहां पे लिखा गया है कि आप ऐसे के केस में इसको नजरअंदाज नहीं करोगे ठीक है तो यहां तक स्टूडेंट्स आपका देखो कितना चीज कंप्लीट मैंने करवा दिया है। <coughs> अब आपको करना क्या स्टूडेंट <coughs> इसके बाद वाला जो सेक्शन होगा 147 है ये खतरनाक सेक्शन है और इसी से स्टूडेंट्स पेनाल्टी की लिंक आने वाली है जो 270 ए 271 ये सब जो पेनाल्टी आप बोल रहे थे ना ये सब सेक्शन से अगला सेक्शन जो होगा ये बहुत बड़ा सेक्शन है 147 ये वाला है ये अभी आप लोग ध्यान रखोगे करेंगे कर क्या आप लोगों को साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है यहां तक अब आपको उसको रोकना है रिटर्न ऑफ इनकम से लेके पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी अच्छा पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी में चालू होता है एक्चुअली वन वन नाइन में सीब्रिटी की पावर क्या है वो वाली पावर सेवन वन थर्टी वन -त्व, वन थर्टी टू मत करना वो सर्च एंड सीजर है वो वाला सर्च में आ जाए चला जाएगा 132 नहीं 132 ए भी नहीं लेकिन जो सेक्शंस मैंने लिखे ना यहाँ पे वो पावर वाले सेक्शंस, लेकिन 116, 119, 120, 124, 127, 129, 131, 133, ये सेक्शंस को आप नोट करते रहे ये सेक्शंस आपको करना है कौन सा कौन सा सेक्शन करेंगे आप एक सौ सोलह एक सौ उन्नीस एक सौ बीस एक सौ चौबीस एक सौ सत्ताईस एक सौ वन ट्वेंटी नाइन फिर वन थर्टी वन वन थर्टी थ्री और यही वन फोर्टी फोर ए वन ट्वेंटी सेवन ये सब ये वाले आप कंप्लीट करोगे वन फोर्टी थ्री थ्री वन फोर्टी फोर में जाके वहां तक ये रेगुलर असेसमेंट यहाँ तक कंप्लीट आपको कर देना है अच्छे से एक बार रीड करके कंप्लीट उसको फुल स्टॉप करना है क्योंकि इसके बाद अब चालू होगा स्टूडेंट्स आपका वन फोर्टी सेवन ये वाला पर्टिकुलर एरिया स्टार्ट होगा और वो होगा इनकम स्केपिंग असेसमेंट ये बहुत भयंकर है इसके अंदर बहुत सारे केस लॉज है और ये केस तो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले ही हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बट यहां तक पहुंचते पहुंचते प्राइमरी आप यहां तक कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट तो दो बात होगी या तो मैं 147 फोर्टी सेवन आफ्टर ब्रेक मतलब कि इसको बंद करना पड़ेगा और मैं चालू कर दू या फिर इसका सेशन या तो आप लोग मुझे बोलो कि भाई सर नहीं मुझे अभी हम लोग इसको रिवाइज करके फिर वन कल चालू करना है ये दो ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ तो फिर कल फिर ज्यादा एक्सटेंशन वाला लेना पड़ेगा 147 के बाद 153 फिफ्टी थ्री और फिर बाद में फाइनली हम लोग चलेंगे पेनल्टी पे असेसमेंट के बाद पेनल्टी <coughs> बताओ स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोग मुझे बता दो कि 147 में पॉइंट्स ज्यादा है आप लोग को ये कंप्लीट करके कल 147 फोर्टी या फिर 147 आपको आज करना है <coughs> जल्दी बताओ आप लोग फिर वही कर लो स्टूडेंट्स ठीक रहेगा क्योंकि वन फोर्टी सेवन भी है हाँ थोड़ा सा फ्रेश माइंड पे करेंगे वन फोर्टी सेवन नहीं तो भारी ना हो जाए और पूरा ऐसे इतने को बारीक पॉइंट आप खुद ही देख लो ना ये पता चले बाउंसर ना चला जाए कल का भी टाइम स्टूडेंट्स साढ़े दस आज छः लेट हो गया था साढ़े दस में हम लोग नहीं आए लेकिन कल स्टूडेंट्स आप लोग फिर शार्प साढ़े दस को आप लोग आ जाइएगा आप मुझे बस एक मिनट दोगे मैं एक बार कंफर्म कर दूँ साढ़े दस फोन करके बस एक मिनट थर्टी मिनट दे दो थर्टी सेकेंड दे दो थर्टी सेकेंड मैं एक मिनट बस है मैक्सिम मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ ऋषिकेश जी कल साढ़े दस का टाइमिंग मिल जाएगा ना मुझे टी टेन थर्टी मॉर्निंग कब तक ले सकते हैं कल कल का शेड्यूल क्या है चार बजे तो कल मैं एक्सटेंशन लेता हूँ उनको ठीक <laughs> है ठीक है मैं अभी अनाउंस अभी बंदी साढ़े दस से दो अगर दो भी करना रहेगा तो भी कर सकते हैं ना साढ़े दस से दो ऐसा डेढ़ तक डेढ़ तक कर सकते हैं डेढ़ दो बजे तक मैक्सिमम ठीक है 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 तो मैं अभी इनको फोन अभी बोल देता हूँ ठीक है अभी ऑनलाइन अभी, अभी, ही हूं मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स <laughs> फिर बस ये मैंने पता लगा लिया कल टेन थर्टी को स्टूडेंट्स कल करते हैं टेन थर्टी भारती कल कर लेंगे चलिए कल टेन थर्टी कर लेते हैं अभी कोई ऐसे कुछ क्वेरीज होगा आज के सेशन के लिए बता दो कल टेन थर्टी को पहला आएंगे आप लोग शार्प आ जाइएगा बाई चांस पाँच दस मिनट कहीं ऊपर नीचे होगा तो क्योंकि टेन थर्टी को वन फोर्टी सेवन हम लोग चालू कर देंगे फ्रेश ट्रैक के वन फोर्टी सेवन वन फिफ्टी थ्री ए सर्च इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्च जो असेसमेंट होगा वो फिर उसके बाद पेनाल्टी टू सेवेंटी ए वो वाले पर्टिकुलर एरिया से पेनल्टी भी हम लोग उसी लिंक से मैं चालू कर दूंगा आपके लिए पीडीएफ जो है ये वाला पीडीएफ है वो भी मैं आपको दिलवा देता हूं ताकि वो पीडीएफ आप साथ में रखना ये पीडीएफ भी दे देता हूं ताकि ये पीडीएफ आप लोगों को ऋषिकेश जी की तरफ से दे देंगे यहाँ पे या फिर आ, मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा अगर चाहिए तो आज की क्लास और है कुछ क्वेरीज अगर होगा तो डाल दीजिएगा मैं ये लिख लेता हूँ या तो आप मुझे कल देखिए कल भी लेक्चर होगा परसों नॉन रेसिडेंट एक्सेशन है मंडे को ट्रांसफर प्राइजिंग है ट्यूसडे एंड देर आफ्टर असेसमेंट ऑफ कंपनीज होगा वेनेसडे को फिर उसके बाद आपका होगा पीजीबीपी के का एडवांस सेक्शन थर्सडे ऐसा रहेगा अभी धीरज कंप्लीट हो गया ये अगर चाहिए जिसने भी बहुत लेट ज्वाइन किया है यही लिंक आप वापस से देख लें कंप्लीट होके यही लिंक आप लोग ये रहेगा मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपने अप, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल देता हूँ बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट्स होगा वैसे तो मिल जाएगा मैं सबको दे ही दूंगा लेकिन बाई चांस अगर है तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल सी ए दुर्गेश सिंह बस सी ए दुर्गेश सिंह में मैं डाल दूंगा और भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे ऋषिकेश जी को तो वो भी दे देंगे कोई क्वेरीज होगा स्टूडेंट्स मुझे पूछ लेना कल के लिए क्या पढ़ाएंगे वन फोटी सेवन पढ़ाऊंगा वन फोर्टी सेवन इनकम स्केपिंग असेसमेंट आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोल देना टेन थर्टी को शार्प इनकम स्केपिंग असेसमेंट फिर उसके बाद उसके बाद क्या इनकम स्केपिंग असेसमेंट उसके बाद हम लोग जाएंगे टूवर्ड दिफ्टी थ्री असेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस सर्च तो अभी हमने रेगुलर असेसमेंट तक कंप्लीट किया है कल हम क्या करेंगे स्पेशल असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे स्पेशल असेसमेंट से कनेक्ट करेंगे पेनाल्टी और फिर बाद में रिविजन अपील्स ऐसा कुछ के कुछ सेक्शन वो हम लोग पकड़ने वाले हैं चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन इम्पाउंडिंग अंडर वन थर्टी थ्री डिफरेंस कुछ नहीं है जसप्रीत जी वो वन थर्टी वन में और बुक्स की जो इम्पाउंडिंग है लगभग सेम है टाइम लिमिट भी सेम है और अगर एक्सटेंशन भी अगर आपको लेनी है तो भी आपको हायर अथॉरिटी से ही क्या करना है वो आपको परमिशन लेके ये करना होगा पीयूष कैन दी ऑब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एओ विद रीजन ऑफ पास ये सब यहाँ पे नहीं है लेकिन वो उस सीबीडी को कंप्लेन कर सकता है यहां पे नहीं

कोशिश लाइव में यही होता है एक, एक टच मिल जाता है पर्सनल टच स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज अंडर द इनकम टैक्स 116 सो में अगर प्रफुल अगर आप देखोगे ना 116 में पूरा एक लाइन लगा हुआ है बस ब्रॉडरली बताता हूं तीन विंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तीन विंग एक असेसमेंट विंग है जिसमें सी आई टी सी सी आई टी ये हाइस्ट अथॉरिटी है और उसके नीचे उनके लोग हैं जो एओ उन्हीं के नीचे आता है ये असेसमेंट विंग होता है दूसरा आता है आपका इन्वेस्टिगेशन विंग जहां पे डी वो लोग लोग रहेंगे डायरेक्टर जनरल वाले लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और फिर उसके नीचे के अंडर के लोग और तीसरा जो विंग होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी का वो अपील का होता है जिसमें सी आई टी अपील्स हाइस अथॉरिटी है, है प्राइमरी तो तीन विंग है वन एक सौ सोलह में आपको पालू पड़ेगा थ्री और उसके अंडर हायर की टॉप में ये लोग हैं और उसके नीचे नीचे सब लोग आते रहते हैं ठीक है आज भारतीय फर्स्ट लेक्चर मेरा था असेसमेंट प्रोसीजियर मेरा फर्स्ट था और कल भी असेसमेंट कंटिन्यू होगा लेकिन पेनाल्टी के साथ आप बस ये करना अच्छे से लेक्चर देखना जो लिंकिंग इंटरलिंकिंग करवाई है ना उसको बस एक बार अच्छे से करके ये कर लेना बस आप लोगों को ये करना है कल का लेक्चर मैंने वापस से बताना है अपने हम लोग वन फोर्टी सेवन थ्री है पेनाल्टी की तरफ फिर निकलेंगे फिर मंडे को हम लोग नॉन रेसिडेंट ट्यूजडे को ट्रांसफर प्राइजिंग वेनेसडे को क्या होगा कंपनी दी असेसमेंट और फिर फाइनली जाएगा लास्ट डे पे थर्सडे को आपका कंपनी एसेसमेंट असेसमेंट के बाद क्या जाएगा पीजीपी के का एडवांस सेक्शन ठीक है भारतीय हाँ आज फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर ही था आज मैं आप लोगों को ये ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और एक पीडीएफ एमटीपी का होगा वो भी मैं दे दूंगा दो पीडीएफ मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है इस क्लास को लेके आप बराबर जुड़े रहिएगा मैं पीडीएफ शूट करता रहूँगा जो जो स्लाइड है बराबर उसमें जुड़े रहना ताकि और मैं पार्लिप में टेलीग्राम में भी डालता रहूंगा ताकि क्या होता रहेगा कि अगर वहां नहीं तो यहाँ पे भी आपको मिलते रहे बस ये चीज ध्यान रखना ठीक है स्टूडेंट्स बस आप लोग एक बार गो थ्रू करना जो मैंने बताया ना वन फोर्टी पावर भी करके चलना ध्यान रखना रिटर्न से लेके पावर तक जाना है पावर भी कर लेना अच्छे से जो जो मैंने आपको बताया वो प्लीज कर लेना अच्छे से अशु मित्तल जो ये फर्स्ट टाइम ड्यूटी कर रहा है वो हाँ अशू आपको पूरा पिकअप हो जाएगा लेकिन बाद में डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी टू आवर्स जो मैंने रखा है एक होगा कि फर्स्ट टाइम डीटी अगर आप कर रहे हो मतलब कि अगर आप में आईपीसीसी के बेस पे कर रहे हो तो तो शायद रिकमेंडेड नहीं है एक लेकिन अगर आपकी रीडिंग हो गई है और फिर अगर आप इसको देख रहे हो ये लेक्चर को तो डेफिनेटली एडवाइजेबल है क्योंकि मैंने उसी को बेस रखा है कि बच्चे ने एक बार पढ़ लिया होगा डी और फिर बाद में अब रिवाइज कर रहा है एडवांस लेवल पे तो उस कॉन्टेक्स में मैंने लेक्चर्स बनाए हैं तो वो उस कॉन्टेक्स में है डायरेक्टर बलिया जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग के हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के हैं और जो कमिश्नर है वो आपका असेसमेंट विंग के हैं असेसमेंट के जो लोग होते हैं वो पब्लिक से गुफ्तु करते हैं और ये जो डायरेक्टर वाले जो है ये वाले जो लोग हैं ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन टीम होती है तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स में तो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं और सी कमिश्नर जो होते हैं वो असेसमेंट की तरफ वाले लोग होते हैं हमारा जो ताल्लुक होता है वो असेसमेंट वालों से होता है तो ये डिफरेंस है टू सिक्सटी टू प्रफुल ठीक है कल फिर करवा दूंगा एक बार टू सिक्सटी टू सिक्सटी फोर को कल खींच के रखेंगे थोड़ा साढ़े दस से डेढ़ बजे तक का कोशिश करेंगे कल खींच के रखते हैं फिर इसको वन फोर्टी फाइव और वन फिफ्टी थ्री की भी पी डी एफ फाइल डालो टेलीग्राम में वन फोर्टी फाइव और वन फिफ्टी थ्री अब्दुल ये कौन सा है 145, 153? टाइम लिमिट इसकी जरूरत क्या है वन फोर्टी फाइव और वन टू थ्री की चलिए और कोई कोई टू सिक्स टू सिक्सटी फोर प्रफुल मैं कल आपको ये टच ऑन कर दूंगा ठीक है student, चलो फिर वन फोर्टी सेवन हाँ मतलब कि ये जो पी मेरे पास अभी है जिसके अंदर वन भी है वो भी मैं डाल देता हूँ आप वहां से ले लीजिएगा पी डी इसके अंदर ही है ठीक है ना चलिए फ्रेंड्स अब बस आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना अभी तक तक ताकि उतना तक हो जाए आपके अच्छे तरीके से और फिर बाद में कल भी एक बड़ा एरिया हमें कवर करना है फिर उसके बाद फिर आपको रिवाइज करना है देखो श्रोन स्ट्रैटेजी ये बना के चलना कि जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ ना उतना तक आप भी रिवाइज करते रहना कि उतना बड़ा हिस्सा डी का आपका कंप्लीट होता जाए डीटी अपने आप में बहुत फास्ट है लेकिन करना भी है अच्छे तरीके से दोनों चीजें होनी चाहिए एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी डन ठीक है ना तो लाइव रहेंगे 147 में कल आएंगे पहले मेरे करेंगे 1030 को एंड दैट इज हाउ ये कर लेंगे 147 कल हम लोग चालू करेंगे कल की क्लास में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 147 वाले सेक्शन में और बाद में करके आगे आते ठीक है हाँ 147 टुमारो ठीक है ठीक है ठीक है और कुछ पूछना रहेगा तो स्टूडेंट्स ये लाइव वाला जो एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला होगा आप लोगों को काफी अच्छा करें क्योंकि देखो दूसरा और एक होता है कि आरटी में भी मतलब कि मैं रिकॉर्डेड भी हम लोग डाल देते हैं लेकिन मुझे लगता है कि लाइव वाला जो होगा शायद आप लोगों को पसंद ज्यादा आया होगा ये शायद आई थिंक वुड हैव लाइक दिस वन तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम मैं लाइव ही रहू आप लोगों से चलिए सुरेश थैंक यू वेरी मच तो क्या होगा बढ़िया एक वो हो जाएगा आप लोग को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक होता है तो आदमी सो जाता है इसमें कम से कम वो तो होता है कि सर भी साथ में चलिए स्टूडेंट्स तुम मिलते हैं कल मिलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू अब्दुल आप लोग बस आप रिवाइज करना चालू करो क्लोज करते हैं सेशन कल टेन थर्टी टेन थर्टी को सो सी यू देन टुमारो स्टूडेंट्स एट टेन थर्टी दिस थिंग बाकी सारे नोट्स शोट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल और बाकी ऋषिकेश जी भी आपको दे देंगे चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स टू में पार्सल मर्जर बोलते हैं अंकित बिल्कुल पार्सल मर्जर मैं कल करवाता हूँ ना फुल मर्जर होता है कल मैं करवा दूंगा क्योंकि वन फोर्टी सेवन में भी पार्सल मर्जर आएगा तो ये पार्सल मर्जर कंप्लीट मर्जर जो है ये मैं आपको वन फोर्टी सेवन में जब करवाऊंगा तो वहां पे ही करवा दूंगा भारतीय इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एवरी टॉपिक देखो छोटे छोटे हम लोग जो सिंपल सिंपल है वो तो ऑब्वियसली वो तो कर नहीं पाएंगे लेकिन हर एक टॉपिक का सारे इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग कर रहे हैं तो ये इस तरीके से जा रहा है ठीक है लेकिन एक चीज होगा कि आपको पता चलेगा जैसे कि मैंने लेक्चर के एंड में आपको क्या बोल दिया था कि यहां तक हमने कर दिया है अब आपको करना क्या है तुरंत जल्दी से जल्दी रिवाइज कर देना है आपको खुद ही पता चलेगा उतना तक आपको पकड़ के रख दिया गया है कि आप इजीली खींच सकते हो भी ठीक है चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अब कल की क्लास में टेन थर्टी मॉर्निंग में मिलेंगे सी यू